Hello students, today we will revise current and electricity. तो इस टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिर्फ इसी टॉपिक के लिए ही नहीं बट इसके अलावा जैसे कैपेसिटर्स, मैग्नेटिक्स, EMI, AC, LC ऑसिलेशन, इन सब में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहीं से आते हैं. इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि दिस कैन बी डीम्ड एज द स्पाइन ऑफ द फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज. तो यहाँ पर आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो वहाँ पर पॉपअप होते हैं और अननेसेसरली उन टॉपिक्स में भी स्टूडेंट्स स्टार्ट जनरेटिंग सर्टेन डिसलाइकिंग. सो विद इन आर आई गेस इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जा सकता है. इसमें से काफ़ी सारे आपको पहले से आते भी होंगे बट स्टिल वेरी क्विकली लेट मी टॉक अबाउट द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट दैट इज बैटरी रेजिस्टेंस एंड करंट. उनके सिंबल मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं. तो अगर एक बैटरी को आप एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करते हो तो मान लो बैटरी आपकी 10 वोल्ट की है और रेजिस्टेंस आपका 2 ओम का है तो इसमें कुछ करंट फ्लो करना चालू करता है राइट. और आपके जो ओम्स लॉ है उससे पता लगाते हैं आप लोग कि भाई I = V/R एंड देन कम्स आउट टू बी 5 एम्पियर. अच्छा अभी 5 एम्पियर एग्जैक्टली होता क्या है? हाँ कहने को तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि दिस इज DQ/DT और करेक्ट भी है लेकिन उसका एग्जैक्टली फील है क्या आपको? तो देखो ये वाला पॉइंट ना आप सुनिएगा. आई एम श्योर लाइक बहुत सारे लोग कई बार उसे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं बट जस्ट लिसन केयरफुली. तो करंट आपका 5 एम्पियर आ गया. अब मैं पूछता हूँ व्हाट इज करंट? तो लोग बोलते हैं DQ/DT, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो मुझे एक बात बताओ कि जैसे मान लो एक रॉड है ठीक है, इस रॉड में मान लो लैम्डा कूलम्स पर मीटर चार्ज दिया हुआ है ठीक है, इस रॉड के ऊपर चार्ज दिया हुआ है और इस रॉड को मैं वी वेलोसिटी से आगे लेके जा रहा हूँ ठीक है कुछ इस तरह से. तो कहने से इट विल अकाउंट फॉर सम करंट. क्या यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है? हो रहा है तो कितना फ्लो कर रहा है? तो यस इट विल अकाउंट फॉर सम करंट. और एग्जैक्टली क्या करंट है वो आपको दिखना चाहिए बिकॉज जस्ट DQ/DT लिखा ना तो आगे कैपेसिटर्स में आके दिक्कत आती है. करेक्ट है लेकिन उसका फील क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट मेरा इस पूरे सेशन में एजेंडा यही रहेगा. मैं बहुत कुछ हाईफाई बात नहीं करूंगा, बहुत बेसिक पॉइंट्स बात करूंगा बट यू रियलाइज दैट यू कैन सॉल्व इवन टफेस्ट ऑफ द JEE और मे बी एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रॉब्लम्स वेरी इजीली. तो इस रॉड को आप वी वेलोसिटी लेके जा रहे हैं तो यस इट विल अकाउंट फॉर सम करंट. और वो करंट निकालने के लिए आपको सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन देखना पड़ता है. मान लो ये क्रॉस सेक्शन है ठीक है और ये आपकी रॉड जो है जिसमें लैम्डा कूलम्स पर मीटर चार्ज दिया है वो अगर वी वेलोसिटी से जा रही है इस तरह से ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन को एक सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस कर गया है? से इतना कर गया है तो दिस इज करंट. आई रिपीट, जब ये रॉड ऐसे जाती है ना तो एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन को मान लो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी क्रॉस सेक्शन ले लो आप. तो मैंने अपना क्रॉस सेक्शन यहाँ ले लिया ठीक है, तो एक सेकंड में इतनी लेंथ क्रॉस कर जाती है. तो ये जो क्रॉस कर गया हिस्सा है इसमें जो चार्ज है वो होता है करंट ठीक है. तो दिस इज द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ चार्ज. तो देखो हुआ ये कि यहाँ पर आपने क्रॉस सेक्शन बनाया से इस तरह से राइट, और एक सेकंड में इसको कितनी लेंथ क्रॉस करेगी? वी लेंथ क्रॉस करेगी ना, बिकॉज वी इंटू वन. ओके अब वी इंटू वन में कितना चार्ज है? दिस इंटू लैम्डा. सो दिस इज करंट, इसको हम बोलते हैं करंट. और थोड़ा ज़्यादा इसको जनरलाइज करें तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि टी सेकेंड्स में इसको कितनी लेंथ क्रॉस करेगी? टी सेकेंड में इसको वी टी लेंथ क्रॉस करेगी, उसमें चार्ज कितना होगा? इतना होगा. तो टी लेंथ में इतना चार्ज इसको क्रॉस किया है तो बाय टी मतलब पर सेकेंड कितना क्रॉस करेगा? इतना करेगा. यहाँ मैंने डायरेक्टली पर सेकेंड का ही निकाल लिया था, यहाँ वापस टी से डिवाइड कर रहा हूँ राइट. फिर टी से आप कैंसिल कर दो, बचेगा आपके पास एग्जैक्टली वी लैम्डा ठीक है. तो इस लेवल तक क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसी क्रॉस सेक्शन को जितना चार्ज एक सेकंड में क्रॉस करता है वो होता है करंट. अच्छा दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ पर टी टाइम ले लिया था ठीक है, बिकॉज मेरा अजम्पशन ही था कि इस रॉड की वेलोसिटी सेम है तो टी टाइम तक वो सेम वेलोसिटी से जाएगी, इसलिए आई कुड यूज VT. बट कई बार क्या होता है इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है राइट, इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ टाइम. इन दोज केसेस इंस्टेड ऑफ राइटिंग Q/T आई राइट इट एज DQ/DT. बहुत छोटे से टाइम DT में DQ चार्ज क्रॉस करता है तो DQ/DT जो है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा एंड दैट्स व्हाट वी नो. तो इसका मतलब क्या हुआ? इस क्रॉस सेक्शन को एक सेकंड में 5 कूलम चार्ज क्रॉस करता है, ये है इस चीज का मतलब. नाउ लेट्स कम टू रेजिस्टेंस पार्ट. तो रेजिस्टेंस को आप डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे बाहर रोड पर चलता हुआ ट्रैफिक. तो ट्रैफिक जो है वो काफ़ी आराम से फ्लो करता है जब रोड चौड़ी होती है राइट, और जितनी रोड पतली होती है उतना कंजेशन आ जाता है, उतना मुश्किल होता है ट्रैफिक को फ्लो करना.
सो जो कंजेशन है, वो जो हिंडरेंस है राइट, जिसकी वजह से ट्रैफिक को मुश्किल हो रही है, उस हिंडरेंस को यहाँ पर रेजिस्टेंस से कंपेयर किया गया है। तो जिस तरह से एक वायर में चार्जेस फ्लो करते हैं, उस तरह से बाहर रोड पे ट्रैफिक फ्लो करता है। तो रोड जितनी पतली होगी उतना मुश्किल होगा ट्रैफिक को आगे मूव करना। एग्जैक्टली सेम इज द केस विद चार्जेस ऑल्सो। अगर रॉड आपकी पतली है, रॉड या फिर आई एम सॉरी उसको वायर बोल दो बेटर रहेगा, वायर आपका पतला है तो मतलब क्रॉस सेक्शन का कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा वो, क्योंकि कंजेशन होगा वहाँ मुश्किल होगा चार्जेस को आगे बढ़ना। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, दूसरी बात आती है लेंथ की। तो मान लो एक जगह रोड आपकी सिर्फ इतनी है, डेस्टिनेशन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, से 2 किलोमीटर, और एक जगह यही रोड आपकी 3 किलोमीटर की है, ठीक है, अज्यूमिंग बीच में कहीं से आप बाहर जा नहीं सकते, कहीं से अंदर आ नहीं सकते, देर इज नो एग्जिट पॉइंट, देर इज नो एंट्री पॉइंट। तो 2 किलोमीटर की रोड है और उतनी ही चौड़ी यहाँ पर एक 3 किलोमीटर की रोड है, तो इस किस में ट्रैफिक कंजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं? तो बट ऑब्वियस है 3 में ज़्यादा है, क्योंकि चांसेस किसी ट्रक के पंचर हो जाने के या ख़राब हो जाने के यहाँ ज़्यादा रहेंगे। जितनी लंबी रोड होगी उतने ज़्यादा चांस है कि मान लो अभी कोई बैलगाड़ी आ गई, ठीक है, आपके पास तो मान लो बहुत बड़ी कार है जो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चला रहे हो, ठीक है, और आपके आगे आ गई एक बैलगाड़ी और इस बैलगाड़ी की स्पीड है सिर्फ 5 किलोमीटर पर डे, राइट, तो बस वाट लगी आपके यहाँ पर, तो अभी जस्ट कांट हेल्प। अगर एक बैलगाड़ी आ गई वो तो अपनी स्पीड से चलेगी 5 किलोमीटर पर डे, तो आप वापस अटक गए वहाँ पर। तो जितना लंबा रोड होगा ना उतने ज़्यादा चांस हैं कुछ इस तरह की बैलगाड़ियों के आने के, राइट। सो लाइकवाइज सेम इज द केस विद दीज वायर्स ऑल्सो। जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ होती है उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो ये होता है आपका रेजिस्टेंस। क्विकली एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। सो मान लो एक क्यूबॉइड है कुछ इस तरह से, ठीक है, इसमें एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो आपको ऐसे दे रखा है ये एक्स है, फाइन, ये जेड है और ये वाई है, तो पूछा इसका रेजिस्टेंस कितना है। अब इसका रेजिस्टेंस आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते अनलेस मैं आपको मेंशन कर दूं कि करंट किस तरह फ्लो करना चाहता है, ठीक है, इसमें हो सकता है ये करंट इधर फ्लो कर रहा हूँ, राइट, अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो ये इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो जो एरिया डिवाइड किया जाता है ना वो एरिया ये वाला हो जाएगा। मगर इसमें बोलूँ करंट ऐसा फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, तो इसका एरिया आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आते हैं तो मैंने कई बार देखा है कि क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि आप उसकी कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे वहाँ पर, यू जस्ट कांट कैलकुलेट। बट एट द सेम वन टाइम वो लोग आपसे क्वांटिटेटिव क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, वो आपसे एक्जैक्टली नंबर्स पूछने नहीं रहे होते कि भाई कितना रेजिस्टेंस है, वो आपसे सिर्फ कंपेयर करवा रहे होते हैं कि बताओ सबसे ज़्यादा आसानी करंट को किस तरफ फ्लो करने में होगी, इधर होगी या फिर इधर होगी, राइट। इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग कि भाई किस डायरेक्शन के अलॉन्ग रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा वीक है, ये सब चीज़ें पूछते हैं आपसे। तो इस केस में जैसे हम देखें तो ये लेंथ सबसे ज़्यादा है, राइट, और इनफैक्ट ये क्रॉस सेक्शन सबसे छोटा है, तो इसके अलावा अगर करंट फ्लो कराओगे तो आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप इसके अलावा फ्लो कराओगे, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ कम है, दिस इज़ वेरी स्मॉल लेंथ, तो इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा है और लेंथ बहुत छोटी है, तो ये छोटा भी है ये बड़ा भी है, तो डेफिनेटली इसके अलावा आपको सबसे कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिया फटाफट। RX, RY, RZ। RX का मतलब है जब करंट X के अलावा जाएगा तो कितना हिंड्रेंस मतलब रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो जब करंट X के अलावा जाएगा तो जो लेंथ फेस करेगा वो L हो जाएगी, मतलब X हो जाएगी इन दिस केस, राइट, और एरिया क्या हो जाएगा उसका जो फेस करेगा वो हो जाएगा YZ, और रेसिविटीज की रो दी हुई है मान लो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और लाइकवाइज फटाफट आप सारे आंसर लिख सकते हो, ठीक है, जो जिसके अलॉन्ग जा रहे हैं वो उसकी लेंथ हो रही है, तो यहाँ पर Y हो जाएगी लेंथ, यहाँ पर Z हो जाएगी लेंथ, ठीक है, तो ये XY और सिमिलरली यहाँ पर ये हो गया XZ और ये हो गया आपका XY, तो दी आर द आंसर्स। अब क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं बाय यू नो इंट्रोड्यूसिंग सम कैलकुलस पार्ट देयर, लेट्स डू इट। इस केस में आपको एक कोन दिया हुआ है जिसका रेडियस R है यहाँ पर और इसकी लेंथ L है, और बताया गया है कि करंट है ना इस तरफ फ्लो कर रहा है इस तरफ, तो बताओ ये कोन कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो जो पहले हमने केस देखा था उसमें थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया जो था वो कांस्टेंट था, हर बार वो एक रेक्टेंगल था, मगर यहाँ देखो आप ये स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर का साइज छोटा होता जा रहा है। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस कोन, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपका आंसर है कैलकुलस तो गलत नहीं है, लेकिन बहुत लंबा तरीका हो जाएगा वो, क्योंकि इसको देखते ही इसका आंसर बताया सकता है एंड आंसर इज इन्फिनिटी। एक बार वीडियो पॉज करके सोच के बताओ कि इन्फिनिटी क्यों बोला मैंने। ओके, इन्फाइनाइट बोलने का रीज़न इसका ये है क्योंकि जब इसमें से करंट जाएगा
तो फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया वो ये फेस करेगा, बाद में ये फेस करेगा, ऐसे करते करते वो एरिया आप देखेंगे छोटा होता रहेगा, राइट। और लास्ट वाले का एरिया कितना है? ज़ीरो। अब लास्ट वाले का एरिया ज़ीरो है तो इसका मतलब वो किसी भी फ्लो को अलाउ करेगा ही नहीं, राइट। इट इज़ लाइक आप यहाँ से जा रहे हैं किसी दूसरी जगह पे, तो पहले आपकी रोड बहुत चौड़ी है, बाद में पतली होगी, पतली होगी, पतली, लास्ट में आके वो रोड बंद हो जाती है, ठीक है। और जब बंद हो गई तो ओवरऑल इस रोड का जो ट्रैफिक का फ्लो है वो ऑफकोर्स ज़ीरो रहेगा, बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग यू इनफाइनाइट हिंडरेंस। तो एग्जैक्टली सेम इज दैट केस ओवर हियर। हाँ, इस क्वेश्चन का थोड़ा सेंस तब बनता जब मैं इसको ऐसे पूछता, सो हियर वी विल फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ फ्रस्टम व्हेन करंट इज फ्लोइंग अलोंग दिस लेंथ। तो जब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो रो एल बाय ए, ये उसका फंडामेंटल फॉर्मूला है, राइट। अब रो और एल तो पता है हम लोगों को, लेकिन एरिया का क्या इशू है भाई? एरिया जो है यहाँ छोटा है फिर बढ़ते आ रहा है ना, और एरिया का जो बढ़ना है इसी की वजह से, दिस इज द फंडामेंटल रीजन व्हाई वी यूज कैलकुलस। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक पतली सी डिस्क लेते हैं, ठीक है। इस डिस्क की विड्थ जो है वो इतनी पतली होती है कि जब करंट ऐसा फ्लो करता है ना, तो पहले इसको ये वाला क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है, ये वाला क्रॉस सेक्शन, बाद में ये वाला क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है। अब ये डीएक्स इतना छोटा होता है कि वो क्रॉस सेक्शन में कुछ खास चेंज फील ही नहीं कर पाता करंट, तो उसके लिए लगभग एक ही क्रॉस सेक्शन होता है वो। और मान लो इसका रेडियस आर है, तो इस पूरे के पूरे डिस्क को जो आइडेंटिफिकेशन मिलेगा वो आपको किसी ओरिजिन के हिसाब से मिलेगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि मेरा ओरिजिन यहाँ पर हो, ठीक है। एग्जैक्टली रीज़न क्या है मैं बाद में बताऊँगा इसका, लेकिन अभी देख लेते हैं कि भाई मान लो यहाँ आपका ओरिजिन है और ये आपका डिस्टेंस हो गया x, तो इसकी विड्थ जो हो जाएगी dx, राइट। तो छोटा सा रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा ये डिस्क वो कितना होगा? रो l, l कितना हो गया इसका? dx, क्योंकि इसको इसके अलॉन्ग जाना है, बाय एरिया। सो टू फाइंड द कंप्लीट रेजिस्टेंस वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है कि जब हम किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो इनडायरेक्टली हम एल्जेब्रिकली ऐड कर रहे हो, छोटे छोटे जो डिफरेंशियल हैं उनको एल्जेब्रिकली ऐड कर रहे हैं। अब एल्जेब्रिकली ऐड करना इसमें इसीलिए अलाउड था क्योंकि ये सारे के सारे जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं वो सब सीरीज में हैं, और आर वन आर टू आर थ्री सीरीज में होते हैं, तो मैं उनको आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर सकता हूँ। एग्जैक्टली सेम चीज़ कैपेसिटर में नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अपने कैपेसिटर किया होगा या करने वाले हैं तो वहाँ पर इस तरह से सीरीज में ऐड नहीं होता है वो एल्जेब्रिकली। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा अपने को रो बाय पाए इंटू डी एक्स बाय आर स्क्वायर। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक्स भी है आर भी है, तो मेरे को आर को एक्स ही टर्म्स में लिखना पड़ेगा बिकॉज एक्स जो है यहाँ का डिफरेंशियल है और इसी के हिसाब से लिमिट्स भी आती हैं। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लिमिट्स मेरे को चाहिए, तो लेट मी सॉल्व इट कम्प्लीटली हियर। सो टू राइट आर इन टर्म्स ऑफ एक्स मैंने यूज़ कर लिया, आर बाय एक्स विल बी इक्वल टू दिस लेंथ दैट इज बी माइनस ए बाय एल, ओके। तो अब देखा जाए तो यही ए बाई सी के बराबर भी होगा। मैंने अज्यूम किया कि ये जो टिप है इसकी यहाँ से सी की दूरी पर है, तो ए बाय सी वो भी इतना ही आएगा। और फिर बस आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई इन टर्म्स ऑफ एक्स ओवर हियर, कांस्टेंट बाहर आ गए, इंटीग्रेट करके मेरे को ये मिलता है। एंड टू गेट अ सिंपलर आंसर, जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो सिंपल हो जाए, उसके लिए मैंने कुछ वैल्यूज ले ली यहाँ पर, दी अदर वैल्यूज, ठीक है। बड़े रेडियस को मैंने 8 माना है, छोटे वाले को 2 मान लिया है, इस लेंथ को 3 मान लिया है, अकॉर्डिंगली ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आया 1 आया था। एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज यू विल गेट द फाइनल आंसर एज पाई बाय 3, सॉरी रो 3 बाय पाई 16। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें तीन रेजिस्टर्स दिए हुए हैं जो सिलिंड्रिकल शेप के हैं और उनकी लेंथ का रेशियो 2-3-4 है और रेडियस का 3-4-5 है। अब इन तीनों रेजिस्टर्स को एक बैटरी के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट किया है और उसमें जो करंट है I1, I2, I3 इनका रेशियो निकालना है। सो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें बस आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, वी वी वी, राइट। और करंट कितना होता है? करंट होता है वी बाय आर। तो हम बोल सकते हैं कि जो करंट के रेशियो है वो आर के रेसिप्रोकल के रेशियो के बराबर होगा, मतलब कुछ इस तरह से, बिकॉज करंट इज वी बाय आर, तो वी कॉन्स्टेंट है, राइट। सो हम बोल सकते हैं करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो तीनों के जो रेशियो हैं वो इन तीनों के बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए, तो इन सारे केसेस में रो बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट है, मीन सेम है, क्योंकि आपने सेम मटेरियल यूज़ किया है अनलेस स्पेसिफाइड। तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। अब एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई भी कांस्टेंट है यहाँ पे। तो आपकी पिक्चर काफ़ी सिंपल होती जा रही है, इसमें रेजिस्टेंस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द
रेडियस. तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, लाइक दिस, बिकॉज रो बाय पाई सब कॉन्स्टेंट है, आंसर हो जाएंगे. अब बस आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही है आर वन आर टू आर थ्री की रेशियो की इधर से और लेंथ की ऊपर से. सो यू गेट समथिंग लाइक दिस दिस. और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप बाय टेकिंग एलसीएम. सो दिस इज द आंसर. सो काफ़ी सिंपल सी सिचुएशन है एंड बहुत सारे लोगों को ये सब पता भी होगा, बट स्टिल मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अगले 10-15 मिनट इसको फास्ट फॉरवर्ड ना करें और डिटेल्स में सुने, बिकॉज देर आर फ्यू फाइन पॉइंट्स जहाँ पर लोग आगे गलतियाँ करते हैं और आगे जाके उनको समझाना मुश्किल होता है. तो इन्हीं 10-15 मिनट में उन फाइन पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ, और सिंस आप लोगों को काफ़ी कुछ पता है तो मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी. तो देखो इस केस में क्या हो रहा है कि एक बैटरी है 10 वोल्ट की और एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और यहाँ पर आपको करंट निकलना है. तो डायरेक्टली बाय ओम्स लॉ यू कैन फाइंड इट आउट. तो आपका आंसर आ गया 5 एम्पियर. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इस पॉइंट पे आके मैंने कई लोगों को देखा है गलती करते हुए. कुछ लोग बोलते हैं 10, कुछ लोग बोलते हैं -10. तो इसके लिए आप सिंपल देख सकते हो, ये पॉइंट ए है राइट, तो ये पॉइंट भी ए ही होगा. लेट्स कॉल इट से ए डैश, ए एंड ए एक बात है, और लेट्स कॉल इट बी डैश. इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई इंडक्टर नहीं है, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट सेम माने जाएंगे. ठीक है, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्राइंग इट मैंने अलग अलग बना दिए. इट है एक्चुअली इलेक्ट्रिकली वो सेम पॉइंट्स. तो ए माइनस बी इज एज गुड एज ए डैश माइनस बी डैश. अब ए डैश माइनस बी डैश जो होता है वो क्या होगा, 10 या -10? ऑब्वियसली +10. क्यों? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है. ये हायर पोटेंशियल पे है मतलब ये माइनस ये 10 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 10 वोल्ट आ जाती है. अच्छा, इसमें एक बहुत सिंपल सा रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रूल है, और ये रूल लगभग आपको सारी की सारी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रॉब्लम्स में यूज करने के लिए मिल जाएगा. ये रूल है कि दो पॉइंट्स के बीच में, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वाया एनी पाथ सेम होता है. फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों पॉइंट्स की बात करूं तो वाया दिस पाथ जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस वाया दिस पाथ भी होगा. कोई भी गंदा सा मैश रहने दो आप, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक मेश है, मतलब कोई सर्किट है जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, इंडक्टर्स हैं, बैटरीज हैं, रेजिस्टेंस हैं, सब कुछ है. मैंने बनाई नहीं है लेकिन है, हर जगह है, फैले हुए हैं. ठीक है, आपने एक पॉइंट चूज कर लिया से यहाँ पर ए, और आपने पॉइंट चूज कर लिया बी. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वाया दिस पाथ जाओगे तो भी सेम आएगा, वाया दिस पाथ जाओगे तो भी सेम आएगा, वाया दिस पाथ जाओगे तो भी सेम आएगा. बेसिकली कोई भी पाथ पकड़ लो वी ए माइनस सी बी सेम होगा. एंड आई कैन गारंटी यू अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है सर्किट्स की वो खत्म हो जाएंगी. ठीक है, लेट्स डू इट हियर. तो ए माइनस बी वाया दिस पाथ आपने 10 बोल दिया है, तो वाया दिस पाथ भी 10 होना चाहिए राइट. अब देखिए इस 10 की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर वो है प्लस आई आर, माइनस आई आर नहीं, प्लस आई एंड आर. कहाँ से आई? यहीं से आ गई ना. तो आर इंटू आई इज वी, दैट इज 10. तो अब आई को आपने क्या देखा था, आई आपका आया था 5, आर आया था आपका 2. तो कुल मिला के घुमा फिरा के एक ही चीज़ है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको साइन समझना है यहाँ पर. तो कुल मिला के आपने देखा कि वी ए माइनस वी बी जो है वो आई आर के बराबर हो रहा है राइट. इसे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, पी डी अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स वाया दिस पाथ जो है वो आई आर है. तो हमारे लिए जो काम की चीज इसमें ये है कि अब ए माइनस बी जब निकालते हो तो अब ए से बी की तरफ जाओ और करंट आपके साथ जा रहा है तो प्लस आई आर हो गया. आई रिपीट, आपको अगर वी ए माइनस वी बी निकालना है और करंट आपके साथ जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर. ये पॉइंट उन लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा जिनको इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, वो प्लस रखते हैं माइनस रखते हैं. अगर आपको सारी चीज़ आती है तो अच्छी बात है, अगर आपको 1% भी डाउट है इन सारी कॉन्सेप्ट्स में कि पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं, प्लस रखना है माइनस रखना है, तो वो पूरा भूल जाओ. अगर कन्फ्यूजन है तो पूरा भूल जाओ, विद इन अ मिनट आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वो ड्रॉप फ्रीप जो जितनी सारी चीज़ है ना वो सब इसमें कवर हो रही है. आपको ए माइनस बी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, मतलब पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी निकालना है. तो उसके लिए आप क्या करते हो, ए से बी की तरफ जाते हो, करंट आपके साथ है तो प्लस आई आर होता है, और करंट आपसे उल्टा होता है तो माइनस आई आर होता. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. सो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें कुछ बैटरीज हैं और कुछ रेजिस्टर्स दिए हुए हैं. तो आई एम श्योर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट स्टिल इसका एक्सप्लेनेशन एक बार सुन लो, दो मिनट में खत्म कर दूंगा. देखो क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड उसने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पूछे हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी. ठीक है, तो करंट निकालने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हम करते हैं वो क्या करते हैं, ये सिंगल लूप होने की वजह से सारे बैटरीज को एक साथ ऐड करते हैं और सारे रेजिस्टेंस को एक साथ ऐड करते हैं राइट. बट उन बैटरीज को ऐड करते टाइम पर हम उसकी पोलैरिटी का ध्यान रखते हैं. फॉर एग्जांपल जो ये 2 वोल्ट की बैटरी है ये आपको क्लॉकवाइज करंट के लिए हेल्प कर रही है, बिकॉज इसकी पोलैरिटी इस साइड है तो ये अपना करंट ऐसे पुश करने की कोशिश करेगी. तो इसको क्लॉकवाइज वाला बैटरी बोला जाएगा, इसको भी क्लॉकवाइज आएगा और ये वाला भी क्लॉकवाइज है राइट, बिकॉज ये भी अपना करंट ऐसे पुश कर रही है. बट अगर इस पे ध्यान दें तो अपना करंट ऐसे पुश कर रही है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस. तो अब सारी क्लॉकवाइज ऐड कर लो, 5, 2, 7 और 3, 10 और ये 22. तो 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 12.
इफेक्टिव भी बोल सकता हूं मैं, इफेक्टिवली यहां पर एक 12 वोल्ट की बैटरी इधर काम कर रही है कुछ इस तरह से, फाइन, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज आई है। अब बात करते हैं रेजिस्टर्स की, तो इन सारे केसेस में हम रेजिस्टेंस को ना एक साथ ऐड कर सकते हैं। आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग? जैसे ये वन जो है इसको हम उठा के इसको पार करवा के यहाँ लगा सकते हैं, सिमिलरली इस टू को इसको पार करवा के यहाँ लगा सकते हैं, तो टू प्लस थ्री प्लस वन कितना मिलेगा? सिक्स। तो ये आपका आ गया 6 ओम। अच्छा, ये चीज़ अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो एक मिनट सुन लो कि ऐसा क्यों किया मैंने। सी, इसका ना आपको फील लेने के लिए एक एक रिंग इमेजिन कीजिए आप। तो इस रिंग में तीन लोग जोर लगा रहे हैं उसको घुमाने के लिए। जैसे ये बंदा 5 यूनिट का फोर्स लगा रहा है इस तरफ इसको क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, ये 3 यूनिट का लगा रहा है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, और ये 8 यूनिट का लगा रहा है इसको क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। और यहाँ पर तीन दीवार हैं, तीन वॉल्स हैं जिनसे ये रिंग ऐसे घिसती जाती है, ठीक है। एंड रिंग कैन मूव अबाउट दिस सेंटर, ये या तो ऐसे रोटेट होगी या तो ऐसे रोटेट होगी। तो ये तीन लोग हैं जो उसको घुमाने में हेल्प करते हैं, बट इनके जो इंटेंशंस हैं शायद डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो बंदा है तीन, ये इसके ऑपोजिशन में आ गया है, ये इसको बोल रहा है हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये बोल रहा है हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, राइट। तो डेफिनेटली ये ज्यादा जोरदार बंदा है तो इसकी बात सुनी जाएगी एज कम्पेयर टू दीज टू। और साथ साथ इसके 8 वे है, तो हम बोल सकते हैं कि 8 + 5 - 3, तो टोटल इफेक्टिव जो फोर्स है इस साइड वो 10 यूनिट का फोर्स आएगा क्लॉकवाइज साइंस में। और दूसरी बात ये है, जो ये तीन दीवारें हैं राइट, ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करती हैं एक सर्किट के अंदर, राइट। तो मतलब जैसे अगर अगर आपके जो ये रिंग है वो भले ही एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करे या भले ही क्लॉकवाइज कोशिश करे, ये दोनों साइड्स में ये दीवार रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं। तो ये जो अपने बैटरीज हैं ये इन तीन बंदों का रोल प्ले करते हैं, राइट। तो इसमें हम लोगों को आराम से बोल सकते हैं ये 3 वोल्ट की बैटरी जो है ना ये इस फ्लो को अपोज कर रही है, राइट। और ये रेजिस्टेंस भी अपोज कर रहा है फ्लो को, लेकिन रेजिस्टेंस का जो अपोजिशन है और जो इस बंदे का जो अपोजिशन है इनमें आपको एक सटल डिफरेंस फील आ रहा होगा यहाँ पर, राइट। क्योंकि कई बार मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये बैटरी जो है इस करंट को अपोज कर रही है, क्योंकि ये बैटरी चाहती है ऐसा करंट फ्लो कराना। तो इस बैटरी के और रेजिस्टेंस के अपोजिशन में क्या फ़र्क है, तो आपको फर्क दिख रहा होगा, इसमें पूरा फील आ रहा होगा आपको। जो दीवार है ये कोई डायरेक्शन नहीं देखती है, ये किसी भी डायरेक्शन में जाएगा वो उसको अपोज करती है, और जो बैटरी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही अपोज करती है ना, जैसे ये बंदा इसको अपोज कर रहा है और ये दोनों फेवर कर रहे हैं। तो इस केस में आर यू गेटिंग अ फील ऑफ दिस थिंग कि भाई मैं इस दीवार को उठा के अगर यहाँ भी लगा दूँ ना या फिर इस दीवार को उठा के यहाँ भी लगा दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो सेम इज द केस ओवर हियर, आप इन दीवारों को एक साथ लगा सकते हो या सारे रेजिस्टर्स को एक साथ लगा सकते हो। दूसरी बात इसमें यह है, कई बार लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि ठीक है सर ये करंट आए जो जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर जो करंट होगा और जो यहाँ करंट होगा वो दोनों सेम होंगे क्या? हाँ ऑफ कोर्स सेम होंगे, लेकिन मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि अगर ये करंट और ये करंट अगर सेम है तो इस रेजिस्टेंस ने कुछ काम नहीं किया? तो रेजिस्टेंस का तो काम है करंट को कम करना, तो रेजिस्टेंस का काम करंट को कम करना है, तो इस करंट को इस रेजिस्टेंस ने क्यों कम नहीं किया? तो उसका रीज़न भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दीवार क्या कर रही है, कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, प्रिसाइसली फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो दीवार चाहती है कि उसकी स्पीड कम हो जाए, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि भाई जिस स्पीड से दीवार का ये पॉइंट यहाँ मूव कर रहा था उससे कम स्पीड से वाला मूव करेगा? मूव तो ये ऐसे कर रही है, दिखने लग गया हम लोगों को, है ना। तो बट जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है क्या हम बोल सकते हैं कि उससे कम स्पीड से ये मूव करेगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि अगर ये कम स्पीड से मूव करेगा तो उसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिंग का जो मटेरियल है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो स्पीड यहाँ की होती है वो यहाँ की भी होती है। तो फिर दीवार ने क्या रोल प्ले किया? दीवार ने डेफिनेटली रोल प्ले किया है, और वो ओवरऑल इज अ टर्म, ओवरऑल कम किया होगा, ठीक है। अगर ये दीवार नहीं होती तो हो सकता था पूरे जो रिंग का जो ओमेगा था, जो उसकी एंगुलर स्पीड थी वो ज़्यादा होती, और इसकी प्रेजेंस में पूरे रिंग की कम हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आया फिर उसने इसको फेस किया और कम हुई, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये पूरी रिंग की एक साथ ही कम होती है। तो सेम इज द केस और ये है, इस रेजिस्टेंस का रोल डेफिनेटली है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो करंट ज़्यादा होता, तो पक्की बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस रेजिस्टेंस ने इस करंट को यहाँ पर देख के कम किया, इट्स नॉट लाइक दैट, उसने ओवरऑल कम किया है। सो फटाफट इसका आंसर देखते हैं। जैसे हमने देखा कि 2, 3 और 1 को 6 ले लिया मैंने, क्योंकि जिस तरह से मैं इन सारी दीवारों को एक साथ क्लब कर सकता हूँ, ऐसे इन सारे रेजिस्टर्स को एक साथ क्लब कर सकता हूँ सीरीज में, एंड माय आंसर कम्स आउट टू बी 12/6, दैट इज 2 एम्पियर। अब बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ ए माइनस बी की, मतलब इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर थोड़ा सा कई लोग कन्फ्यूजन हो सकता है। ए माइनस बी अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आप पाथ चूज कीजिए। पाथ आपके पास एक ही वाला भी है और एक ही वाला भी है, तो बट नेचुरल है कि मैं ये वाला पाथ चूज करूंगा क्योंकि ये छोटा है मेरे लिए, राइट। तो अब आपको क्या कर रहे हैं, देखिए आप ए माइनस बी निकालना है ना,
तो सबसे पहले इसके अंदर की बैटरीज को देखिए, आप उस टाइम पर रेजिस्टेंस को नहीं देखोगे, है ना, तो इग्नोर दीज रेजिस्टेंस, सिर्फ बैटरी को देखिए, तो आपको क्या दिखाई देगा, ए और बी के बीच में कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, आपने आर इग्नोर कर दिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने सर्किट तोड़ दिया है, सर्किट वही है, बट आप इतना पार्ट सिर्फ देख रहे हो, यू हैव नॉट चेंज द सर्किट एट ऑल। तो अगर आपका पार्ट सिर्फ इतना सा है, तो व्हाट इज वी माइनस वीबी हियर, इट विल बी सिंपली 22 वोल्ट, है ना, माइनस 22 नहीं, प्लस 22, बिकॉज ए माइनस बी पूछा है मैंने, और ये हायर पोटेंशियल पे है, तो ये हायर पे है, तो ए माइनस बी पॉजिटिव हो जाएगा 22। ये तब है जब ये रेजिस्टेंस नहीं है। अब एक काम करो, आप इस बैटरी को इग्नोर करो और सिर्फ रेजिस्टेंस को देखो, एंड रेजिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो आता है बिकॉज ऑफ करंट। तो अभी मुझे सिर्फ रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ठीक है, मैंने बैटरी पूरी इग्नोर मार दी, करंट मुझे पहले से पता है क्योंकि मैंने सिस्टम में निकाल दिया था, करंट आ रहा था आपका 2 एम्पीयर कुछ इस तरह से था, तो इस पाथ में वो ऐसे आएगा, ठीक, ऐसे आएगा। तो अब जब आपको ए माइनस बी लिखना है, तो आप बस आराम से ना ए से बी की तरफ मूव करना चालू कर दो, आपकी जर्नी ए से बी की तरफ चालू हो जाएगी। जब ए से बी की तरफ जाओगे तो आपको दिखेगा करंट आपके उल्टा आ रहा है, ठीक है, अब उल्टा आ रहा है तो फटाफट माइनस ले लेते हैं उसको, तो यहां पर जो पीडी आएगा वो आएगा माइनस 2 × 2, बिकॉज करंट उल्टा था। फिर आप इसको क्रॉस करो, फिर भी आपको करंट उल्टा दिखाई देगा, तो माइनस 2 × 3। तो ये जो है ना, ये आपका एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है, और इसकी वैल्यू आती है 22 माइनस 4 माइनस 6, दैट इज 12 वोल्ट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आंसर तुम्हारा आ गया 12 वोल्ट, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसी आंसर को एक दूसरे पाथ से निकालने की कोशिश करता हूं, मतलब यहां से यहां जाने की बजाय मैं यहां ऐसे आता हूं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर, ठीक है। उससे पहले एक बार वापस देख लेते हैं मैंने यहां क्या किया, मैंने पहले यहां से बैटरी देखी, और बैटरी के हिसाब से ए और बी के बीच में पीडी जो है 22 आ गया था, फिर बैटरी को इग्नोर किया, मैं करंट देखा, और ध्यान दें कि जब मैं करंट देख रहा हूं तो सिर्फ करंट ही देखता हूं, बैटरी को नहीं देखता हूं उस टाइम पर मैं। ओके, हियर वी गो, अब मुझे ए और बी के बीच में पीडी निकालना है, ठीक है, ए और बी के बीच में वाया दिस पाथ, तो मैंने क्या किया, सिर्फ बैटरीज को देखा, रेजिस्टेंस को पूरा इग्नोर मार दिया, एक ही रेजिस्टेंस था इसको इग्नोर मार दिया, ठीक है। अब ध्यान दें, 2 वोल्ट की बैटरी इधर है, इधर है, 5 की इधर है, इधर है, 3 की इधर है, उधर है, ठीक है, लेकिन इस पूरे लाइन में हम देखें तो 3, 5 और 2 तीनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, और तीनों का हायर पोटेंशियल इस साइड है, एक ही साइड है ना, 2 का भी इधर है, 5 का भी इधर है, और 3 का भी इधर है, तो इनको ऐड करके हमें मिलेगा 10 वोल्ट्स। अब अपने बैटरी काम पूरा कर दिया, नाउ यू कम टू रेजिस्टेंस, तो अब इन बैटरीज को मिटा दीजिए और रेजिस्टेंस का कटवा कर दीजिए। तो सी, अब ए से बी आप जाएंगे, है ना, आप ए से बी जाना है, राइट, तो करंट आपके साथ है, देखो आप ए से बी मूव करेंगे टुक 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 करके, तो करंट आपके साथ जाएगा, करंट आपके साथ जाएगा तो इट विल बी प्लस आई इन टू आर, जैसे पहले वाले केस में आप यहां से जा रहे थे तो करंट उल्टा आ रहा था, तो माइनस आई आर लिया था, अब ऐसे जा रहे हैं तो करंट आपके साथ आ रहा है, तो प्लस 2 × 1 हो जाएगा, मतलब अगेन 12 वोल्ट। और बट नेचुरल है, आप किसी भी पाथ से जाएं आपको आंसर सेम मिलने वाला है, बट इंपॉर्टेंट ये कि आप वो पाथ देखेंगे जो आपके लिए थोड़ा छोटा हो। और सेकंडली इंपॉर्टेंट बात में ये है कि भाई ये जो मैं ये मिटाने का ड्रॉ करने का जो घोड़ागिरी कर रहा हूँ, दिस लेबोरियस टास्क, को आपको उतना नहीं करना है, समझाने के पॉइंट से दोबारा बना रहा हूं ताकि वो क्लीन दिखे, वो आपको तो बस सीधा बस उठाना है और फटफट करके एक बार में सॉल्व कर देना है। नाउ लेट्स फाइंड आउट वीबी माइनस वीसी, तो बी माइनस सी के लिए आप एक काम कीजिए, आप ये पाथ पकड़ लीजिए, ठीक है, अब दोबारा मिटाने का ड्रॉ करने का शायद जरूरत नहीं है, आपको आराम से दिख रहा होगा, बी से आप सी की तरफ जाएंगे तो पहले आप बैटरी फेस करते हैं, ठीक है, और बैटरी आपके लिए उल्टी बैटरी है ना, क्योंकि आपकी आपको उसका बैक दिखाई दे रहा है, तो माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बैटरी क्रॉस कर ली, अब यहाँ पर आ जाइए, फिर यहाँ जाइए, फिर बैटरी का बैक दिखाई दे रहा है आपको, तो फिर आप माइनस 5 लिख दीजिए, राइट, फिर आप यहाँ आइए। अब जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपके सामने एक रेजिस्टेंस है जो आपको क्रॉस करना है, और रेजिस्टेंस को क्रॉस जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि करंट को आपने उल्टा क्रॉस किया है, तो आप ऐसे जा रहे थे, करंट ऐसे आ रहा था, आप कैसे जाते हैं पता है, आप बी माइनस सी निकालना है ना, तो बी से सी की तरफ जाते हैं, ऐसे बी से सी की तरफ, और करंट आपके लिए उल्टा था, क्योंकि करंट ऐसा था, आप यहाँ आ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू आर हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दी आपको आंसर आ जाएगा। सो आई को आपने 2 पुट कर दिया, ठीक है, तो वैल्यू आपकी आगे -8 - 2 × 1, दैट इज -10 वोल्ट, मतलब बी माइनस सी -10 वोल्ट है, मतलब बी कम पोटेंशियल पे एज कंपेयर टू सी, मतलब सी हायर पोटेंशियल पे है, तो यहां पर आपका आ गया -10 वोल्ट। अब लास्ट वाला काफी सिंपल है, ए माइनस सी, ए माइनस सी मतलब आपको सिर्फ बैटरी क्रॉस करनी है, तो बैटरी क्रॉस करनी है तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है ए माइनस सी जो है वो है 2 वोल्ट। अच्छा, ये जो ए माइनस सी है इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम रहती भले ही पूरे सर्किट में कोई भी चेंज आ जाए, क्योंकि बैटरी का जो से है काफी स्ट्रॉन्ग है, वो कुछ करंट और रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो सीधा बोलती है भाई मेरा ये पोटेंशियल जो है, ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल है वो मेरे इस वाले पॉइंट से 2 ज्यादा होगा, बिकॉज मैं 2 वोल्ट की हूँ, तो ए माइनस सी जो है वो हर केस में 2 वोल्ट ही रहने वाला है जब आपके बैटरी 2 वोल्ट की है। हाँ, अगर यहाँ कुछ रेजिस्टेंस होता तो डेफिनेटली आई के ऊपर आपका आंसर डिपेंड करता और आई पूरे सर्किट पर डिपेंड करता, बट इस केस में आप सिंपली बोल सकते हैं ए माइनस सी इज 2 वोल्ट। अब ये रिजल्ट्स में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज उठ के दिख रही होगी, राइट, जैसे ये है, अब इन दोनों को ऐड कीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, एड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ए माइनस सी,
ना ए माइनस सी कितना हो गया 12 माइनस 10 दैट इज 2 वोल्ट. अब देखिए यहाँ पर ए माइनस सी 2 वोल्ट आ रहा है ठीक है. इसका मतलब ये है कि ये एल्जेब्रिक सीक्वेंस फ्लो करता है फॉलो करता है मतलब ए से बी और फिर बी से सी जाओगे तो आपको ए से सी का रास्ता मिलेगा. आई रिपीट ए माइनस सी निकालना है तो पहले आप ए माइनस बी निकाल सकते हो फिर बी माइनस सी निकाल सकते हो ठीक है. लाइक दिस दिस वे ए माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी है ना. बी बी कैंसिल हो गए ए माइनस सी बचता है. और पाथ में कैसे दिखता है ए माइनस बी इतना होता है बी माइनस सी इतना होता है दोनों को ऐड करके ए माइनस सी मिल जाएगा. सो आई होप बाय नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्लियर. अच्छा इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते ही आप देखोगे ना तो आपका किरचॉफ सेकंड लॉ खत्म हो चुका है. मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है किरचॉफ सेकंड लॉ में कंफ्यूजन फेस करते हुए. तो एक लूप आता है लूप में क्या प्लस रखना है क्या माइनस रखना है. अब कुछ मत सोचो अगर आपके पास कोई लूप आ गया से इस तरह से और आपको किरचॉफ लॉ लिखनी है तो आप कोई दो पॉइंट पकड़ लो एक ही पॉइंट और एक ही पॉइंट देन वाया दिस पाथ उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो देन वाया दिस पाथ उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो ठीक है. और उन दोनों टर्म्स को उन दोनों एक्सप्रेशंस को आप इक्वेट कर दो तो जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो किरचॉफ सेकंड लॉ की ही इक्वेशन है. लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स हियर. तो यहाँ पर एक सिचुएशन है जहाँ पर एक बहुत बड़े सर्किट का एक छोटा सा पार्ट दे रखा है. बहुत बड़े सर्किट का मेरा मतलब यह है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और हैं जो मैंने सिस्टम में आपको नहीं बताई है नहीं मुझे पता करनी है. बट हाँ ये बात है कि मेरे को इन वायर्स में जो करंट्स हैं वो दे रखे हैं जैसे I4 I1 I2 I3 विद देयर डायरेक्शंस और बैटरीज दे रखी हैं V1 V2 V4 एंड रेजिस्टर्स दे रखे हैं कुछ R1 R2 R3 R4. अब क्वेश्चन ये बोलता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी राइट. मुझे इन दोनों पॉइंट्स के लिए PD निकालना है इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स. तो देखो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो मैंने डायरेक्शन दे रखा है करंट का I4 ये करेक्ट है क्या. बैटरी नीचे की तरफ है करंट ऊपर की तरफ है इज इट करेक्ट. सी वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है ना ही मुझे मतलब है और ना ही पता लगा सकता हूँ. पता क्यों नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है कि सिस्टम में बाहर क्या रखा है राइट. मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है ये और 10 वोल्ट की बैटरी चाहती है मैं अपना करंट नीचे डालूंगी ठीक है. अगर हो सकता है यहाँ पर 5 लाख वोल्ट की बैटरी हो जो ऐसे पुश करना चाहती हो तो डेफिनेटली उसकी ज़्यादा चलेगी. तो एनीवेज हो सकता है कि यहाँ भी जा रहा हो करंट यहाँ भी जा रहा हो राइट. मैं पता नहीं चला लगा सकता और ना ही मुझे पता करना है. क्यों नहीं पता करना क्योंकि बाई चांस अगर करंट वाकई नीचे जा रहा है तो इस आई4 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. I4 तो मेरे लिए एक वेरिएबल है ना राइट. सो अब मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में. तो मुझे बोला गया है आप दो पाथ से इनके अक्रॉस पीडी निकालो. आप ये पाथ यूज करके भी निकालो और ये पाथ यूज करके भी निकालो. तो पहले मैं ये पाथ यूज करूंगा ठीक है. तो जब भी मुझे पीडी निकालना होता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तो क्या करता हूं मैं आई जस्ट स्टार्ट वॉकिंग राइट. मैं ए से अपनी जर्नी चालू करता हूं अपनी ए से अपनी जर्नी चालू करता हूं टुक 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 लाइक दिस. तो देखो ए से जब मैं जा रहा था इस तरह से तो ये करंट मेरे साथ जा रहा था. देखो व्हेन आई पास दिस रेजिस्टेंस ये करंट मेरे साथ जा रहा था ठीक है. तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा I1R1 फाइन. और अब बैटरी आप देखेंगे तो पहले बैटरी के बैक को हिट करता हूँ राइट. तो मतलब बैटरी मेरी साइड नेगेटिव है तो ये हो गया -V1. अब मैं यहाँ पहुँच गया. अब मैं ऐसे नीचे जाऊँगा. जब मैं नीचे जाऊँगा तो आप ध्यान दो इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रहा है वो मेरे से उल्टा जा रहा था क्योंकि मेरा रास्ता कुछ ऐसे था और करंट मेरे को उल्टा दिखाई दे रहा है. तो उसके से मैं -I2R2 लिख दूंगा. और फिर मैं इस बैटरी के पास पहुंचूंगा और ये बैटरी की प्लस पोलैरिटी मेरे साथ है राइट. ये बैटरी बोलती है कि भाई हाँ ए हायर पोटेंशियल पे है तो मैंने +V2 लिख दिया. ध्यान देने वाली बात यह है जब मैं बैटरी की बात करता हूँ तो मैं करंट की बात करता ही नहीं हूँ और जब मैं करंट की बात करता हूँ तो बैटरी की बात नहीं करता हूँ. और जो मैक्सिमम लोग कन्फ्यूज होते हैं मे बी लाइक 50 से 60% लोग जिनको कन्फ्यूजन है इन पोलैरिटीज़ में इन साइन कन्वेंशंस में वो कन्फ्यूजन मेनली आते ही इसीलिए हैं बिकॉज दे अननेसेसरी ट्राई टू कैरी सम रिडंडेंट डेटा जिस चीज़ की जरूरत नहीं है उसको दिमाग में कैरी करते हैं. भाई बात हम करंट की कर रहे हैं वो पोटेंशियल की पोलैरिटी देख रहे हैं. अच्छा ये करंट यहाँ पर है तो हमें प्लस IR इसलिए लेना होगा क्योंकि बैटरी ऐसी. अरे ऐसा कुछ नहीं है. अब जो करंट की बात कर रहे हो ना सिर्फ करंट की बात करो बैटरी नहीं देखनी आपको तो वो बेकार का डेटा है. और दूसरी बात इसमें ये है कि जो बैटरी है वो अपने अक्रॉस पोटेंशियल V से देती है और जो रेजिस्टेंस है वो IR से देता है राइट. जब भी बैटरीज को देखता हूँ तो करंट को देखता ही नहीं हूँ और रेजिस्टेंस को देखता हूँ तो सिर्फ करंट को ही देखता हूँ विद द प्रॉपर डायरेक्शन. सो इट कम्स आउट टू बी दिस. नाउ लेट्स फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी वाया दिस पाथ. तो देखो अब मैं ए से बी की तरफ जर्नी चालू करूंगा टुक 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 मेरी वॉकिंग चालू हो गई. अब वॉकिंग चालू कर रहा हूँ तो ये रेजिस्टेंस आया तो इसमें करंट कैसे आ रहा है. देखो ये करंट है तो करंट ऐसे आ रहा है तो करंट मेरे उल्टे जा रहा है. मैं ऐसे आ रहा हूँ करंट मेरा उल्टा जा रहा है तो मैं बोलूँगा -I4R4. अब मैं इस बैटरी के पास आता हूँ. बैटरी की पूंछ मुझे दिखाई दे रही है राइट. इसका बैक पॉइंट है मेरे पास में तो नेगेटिव हो गया ये. अब मैं क्रॉस करते करते यहाँ पहुँच गया फिर यहाँ से यहाँ पर आया फिर रेजिस्टेंस आया फिर वापस रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या करता हूँ IR लिखता हूँ. अब IR कौन सा I3R प्लस I3R या -I3R. ऑफकोर्स मैं ऐसे जा रहा था करंट मेरे लिए उल्टा जा रहा था तो ये जगह -I3R.
और अब मैं यहां पहुंच गया, मतलब बी पहुंच गया, तो ए माइनस बी मैंने वाया दिस पाथ ये लिख दिया, और वही सेम ए माइनस बी मैंने वाया दिस पाथ ये लिखा है। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को इक्वेट कर दूं, राइट, सो आई गेट एन इक्वेशन, एंड दिस इज द इक्वेशन विच वी गेट फ्रॉम क्रिचॉफ्स सेकेंड लॉ। तो क्रिचॉफ सेकेंड लॉ को आप एक्सप्लिसिटली बिना पढ़े हुए भी उसकी जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल इक्वेशंस है, उसको आप लिख सकते हो। आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट इट इज वेरी वेरी इजी। थोड़ा रीअरेंज किया, सारे सेल्स को एक साइड ले लिया, सारे आईआर को एक साइड ले लिया, तो कुछ इस तरह से मिलता है। एंड आपको शायद इसको काफी देखे फैमिलियर एक्सप्रेशन याद आ रहे होंगे जो आपने क्रिचॉफ सेकेंड लॉ से किए हैं। सो लेट्स टेक दिस सिंपल प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम आपको करना आता भी है तो भी मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको एक बार सुन लें, बिकॉज इसमें मैं कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बात करूंगा जिससे आप इन क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो बिफोर आई जंप ऑन दो शॉर्टकट्स, मैं जरा बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में दो मिनट में बात कर लूँ। देखो, इस क्वेश्चन को जो आपको दिया जाता है, पूछा जाता है कि बताओ ऊपर वाली ब्रांच में कितना करंट है, तो वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? वर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि आप बोल दोगे नहीं आता, राइट? तो मैं कह रहा हूँ अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, तो भी आप ये तो बोल सकते हो कि हाँ मान लो एक्स है, राइट? इतना तो बोल सकते हो, मान लो एक्स है, भले ही आपको एक्स नहीं पता हो। एंड वहां से आंसर तक की जर्नी जो है ना बहुत सिंपल है, लेट्स सी। तो आपने इसको एक्स मान लिया। अब रही बात इसके डायरेक्शन की, तो उसमें दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन करेक्ट है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और अगर बाई चांस डायरेक्शन इधर था और आपने एक्स यहां ले लिया है तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, मतलब गलती का स्कोप है ही नहीं यहां पर। अब यह एक्स आया तो आप इसको कुछ अज्यूम कर लो, से आप इसको वाई अज्यूम कर लो, तो इफेक्टिवली अभी भी आपने कुछ काम का काम नहीं किया, राइट? अब इसको भी कुछ ले लो। अब पूरी आपको एबीसीडी की अपनी जो स्किल सेट है वो यहाँ यूज नहीं करना है। जब आपने एक्स ले लिया है या वाई ले लिया है, तो थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पर एक्स माइनस वाई लिख दो। क्यों? ये आपकी किचॉफ फर्स्ट लॉ, इसको हम करंट लॉ भी बोलते हैं, नोड लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, नाम बहुत सारे हैं, लेकिन इतनी ऑब्वियस लॉ है कि बिना पढ़े भी कॉमन सेंस से क्लिक होती है। जैसे एक सिंपल सा एक सिचुएशन देखते हैं, यहाँ पर तीन रास्ते हैं, तीन रोड हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन को 8 कार्स पर सेकंड क्रॉस करती हैं और इस क्रॉस सेक्शन को 3 कार्स पर सेकंड क्रॉस करती हैं, तो मुझे बताओ कि इस क्रॉस सेक्शन को कितनी कार्स पर सेकंड क्रॉस करेंगी। तो बट ऑब्वियस है, 8 यहां से आ रही है, 3 वहां जा रही है, तो 5 कार्स पर सेकंड यहां से क्रॉस करेंगी। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो जंक्शन है, जंक्शन इसके लिए, इसकी वजह से इसका नाम जंक्शन लॉ भी है, तो जंक्शन से जितना करंट बाहर जाता है उतना ही करंट उसके अंदर आता है, राइट? तो एक्जैक्टली सेम इज द केस ओवर हियर। इस जंक्शन की तरफ x आ रहा है तो बाहर जाने वाला भी x होना चाहिए, तो y यहाँ आ गया तो बचा हुआ x माइनस y यहाँ जाएगा, ठीक है? तो ये आपने क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ से इंटरप्रिटेट किया है। तो अब अगर आपने इतना सा लिख दिया ना, तो एक्चुअल में आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बस एक छोटा सा पॉइंट यूज करना है जो हम पिछले 2-3 क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स वाया डिफरेंट डिफरेंट पाथ, ठीक है? और यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया होगा। आपने क्या किया था, क्विकली देखते हैं, एक्स यहां पर लिया था, ठीक है, वाई यहां लिया था, ठीक है, ये आपके अजम्पशंस थे, और इन एक्स और वाई की टर्म्स में आपने निकाल दिया कि एक्स माइनस वाई होगा। कहां से? क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ से। अब एक काम करो, आप कोई 2 पॉइंट चूज करो और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो। अब वो 2 पॉइंट ना आपकी प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आ जाएंगे, तो यूजुअली ऐसे लिखे जाते हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। आप कोई दूसरे पॉइंट भी ले सकते थे, विद 2-3 प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस आपको आराम से क्लिक होगा, ठीक है? ए माइनस बी वाया दिस पाथ देखते हैं। वाया दिस पाथ देखेंगे तो क्या करना है, जर्नी चालू करो, टुक 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 यहाँ मूव करो। पहली चीज आपने ये हिट की और 8 आपके साइड में है, तो क्या लिखोगे? +8, ठीक है? फिर क्रॉस करके आगे जाओ, और जब आगे जाओगे तो दिखेगा कि आप यहाँ जा रहे हो, करंट यहाँ आ रहा था, है ना, एक्स करंट यहाँ आ रहा था, तो -3x। फिर यहाँ पहुंच गए आप, अब यहाँ से यहाँ पहुंच गए, तो बेसिकली ए माइनस बी वाया दिस पाथ इतना आ गया। सिमिलरली वाया दिस पाथ लिख लेते हैं। देखो, अब ए से बी की तरफ जाओगे, पहले आप इसको क्रॉस करोगे और वाई आपके साथ साथ है, तो कितना हो जाएगा? +y(3) हो जाएगा, बिकॉज a से b की तरफ जाओगे तो y आपके साथ जाएगा, तो +3y। नाउ यू रीच हियर, है? अब आप देखोगे कि 9 का जो बैक साइड है वो आपकी साइड में है, नेगेटिव पोलैरिटी वाला पॉइंट जिसे बोलते हैं, तो ये -9 हो जाएगा, बिकॉज इस 9 के हिसाब से ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो दिस माइनस दिस विल बी -9। सो 3y-9 इज PDA क्रॉस 0 पॉइंट्स वाया दिस पाथ। अब आप ऐसे जाइए, जब आप ऐसे जाएंगे तो सबसे पहले आप इसको क्रॉस करोगे, आपकी जर्नी इस तरह से है और करंट आपके साथ ही है, तो पॉजिटिव माना जाएगा, तो पॉजिटिव होने की वजह से दिस करंट इंटू 6 आ गया। अब ये देखिए, अभी 12 आपका इधर पॉजिटिव है तो इसको प्लस ले लोगे आप। सो दिस इज द PDA अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स वाया दिस पाथ। अब कुल मिला के आप मुझसे पूछो तो फिजिक्स का 0% इन्वॉल्वमेंट है। अब ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के सेक्शन में जा चुका है प्रॉब्लम। अब देखिए, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं आपके पास। पहली इक्वेशन जो है वो दिस इक्वल टू दिस है, ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैंने यहाँ लिख दिया, है ना, 3x यहाँ पर आ गया, 3x plus 3y equal to
9 वहाँ चलेगा, 9 प्लस 8 17। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन मेरी यहाँ पर आ गई है, आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हो, बस मैथ्स का सोल्यूशन है। अब इनको सॉल्व किया मैंने तो आपको मिल गया x इक्वल टू 2 एम्पियर्स, मतलब ये जो आंसर है ये 2 एम्पियर है। अगर मैं इस प्रॉब्लम के लेवल की बात करूँ तो पिछले 4 साल से, मतलब लगभग 2015 से 2019 तक, ये हर साल जेई मेन्स के एग्जाम में एक बार पूछा गया है विथ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, एंड आई डोंट थिंक इसको सॉल्व करना कुछ मुश्किल है अगर आप ऐसे करोगे तो। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या किया। जो आपको करंट निकालना है आपने x अज्यूम कर लिया, बाकियों में आपने अजम्पशन ले ली y वाली, और तीसरे ब्रांच में इन दोनों के हिसाब से x माइनस y आ गया, फिर PD अक्रॉस दीज टू पॉइंट निकाल दिया, वाई दिस पाथ, तो एक इक्वेशन इसकी और इसको इक्वेट करके मिल गई, और इक्वेशन इसको और इसको इक्वेट करके मिल गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आंसर गॉट इट 2 एम्पियर। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे। सो दिस मेथड इज नोन एज इक्विवेलेंट बैटरी मेथड, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव मेथड है, ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक दो बार तो यूज होता ही होता है, और इसकी हेल्प से हम आंसर्स को ओरली निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसमें हमारे इंटेंशंस क्या हैं, हम चाहते क्या हैं। हम चाहते ये हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह के लूप्स हों, मतलब सिंगल लूप सिस्टम, उनको हम बहुत आराम से डील कर लेते हैं। कैसे डील करते हैं, सारी बैटरीज एक साथ चिपका देते हैं, सारे रेजिस्टर्स एक साथ चिपका देते हैं, बैटरीज को एक साथ लगाते टाइम पे, क्लब करते टाइम पे आपको पोलैरिटीज का ध्यान देना पड़ता है, राइट। और एक बार आपने सारी बैटरीज को एक साथ ले लिया, ऑफकोर्स विद प्रॉपर पोलैरिटीज, और सारे रेजिस्टर्स को आपने साथ ले लिया, तो वी वाई आर आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई मेथड ऐसा हो जिसकी हेल्प से मैं ऐसे क्वेश्चन को इस फॉर्म में ले आऊँ, तो डेफिनेटली मतलब अपना काम हो गया। तो ये मेथड यही चीज़ बताता है आपको कि ऐसे क्वेश्चन को, इस टाइप के केसेस को आप ऐसे केसेस में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट बैटरी मेथड का, एंड उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। तो इक्विवेलेंट का जो एक्चुअल मतलब है वो समझने के लिए आप सिंपल सा केस देख लीजिए। यहाँ पर दो रजिस्टर्स हैं, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, आपको इस पूरे के पूरे सेटअप को एक रजिस्टर से रिप्लेस करना है। तो मतलब ये जो आर है इसका इक्विवेलेंट है, अगर ये आर इसका इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके अक्रॉस कोई बैटरी लगाऊं कुछ इस तरह से, तो ये उतना ही करंट ड्रॉ करेगा जितना ये सेम बैटरी अगर हम यहाँ लगाते हैं तो, कुछ इस तरह से। तो सेम बैटरी लगाने पर दोनों में सेम करंट आ रहे हैं। तो मैं एक मिनट में ना प्रूफ भी कर देता हूँ कि सीरीज़ को कैसे ऐड किया जाता है, इसको हम बोलते हैं सीरीज़। तो सीरीज़ की जो स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि दोनों रेजिस्टर्स जिस पॉइंट पे जुड़े हुए हैं वो पॉइंट एक्सक्लूसिवली इन दोनों के साथ ही होना चाहिए, मतलब यानी तीसरा वायर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो एक बात की गारंटी होनी चाहिए कि जो यहाँ से गया वो वहाँ से जाएगा ही जाएगा। अगर यहाँ से मैंने एक वायर लगा दी तो क्या होगा कि हो सकता है कुछ यहाँ भी चले जाए, तो देन दीज टू आर नॉट इन सीरीज़। तो सीरीज़ में इन दोनों का जो जॉइंट है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव, फाइन। यहाँ से तीसरी वायर नहीं जानी चाहिए, ओके। तो अब मैंने यहाँ से करंट आई भेजा, ये का आई ऐसे जाएगा, फिर आई ऐसे जाएगा, राइट। तो PD अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स वाया दिस पाथ कितना हो गया, आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, करंट आपके साथ है, तो 5i प्लस 2i, राइट। तो ये हो गया आपका 7i, और इसकी वैल्यू वाया दिस पाथ आप देखोगे तो कितनी होती है, v, राइट। नाउ सिमिलरली अगर ए से बी की तरफ जाते हो तो PD कितना हो गया, RI, बिकॉज आप करंट के साथ जा रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, V। तो आप देखोगे तो यहाँ V की वैल्यू IR आती है, यहाँ V की वैल्यू 7I आती है, दोनों का आप इक्वेट कर दोगे तो R की वैल्यू मिलती है 7, मतलब 2 प्लस 5। तो सीरीज़ में आपको पता ही होगा इस तरह से हम इनको ऐड करते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझना था सीरीज़ में होने के बाद जब इक्विवेलेंट सर्किट से मैं रिप्लेस किया, तो इक्विवेलेंट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसके अक्रॉस जो बैटरी लगेगी ये सेम करंट ड्रॉ करता है जितना ये करंट ड्रॉ करता है। नाउ सिमिलरली हम पैरेलल को भी देख लेते हैं। तो ये एक सेटअप है जिसमें ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब ये होता है कि इसका जो लेफ्ट एंड है वो उसके लेफ्ट एंड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, और इसका राइट एंड इसके राइट एंड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कनेक्शन एक्सक्लूसिव हो, इस कनेक्शन से और भी बहुत सारी वायर्स जा सकती हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब इसका जो राइट एंड है और इसका जो राइट एंड है इनके बीच में कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाया था तो इसका जो राइट एंड है और इसका जो राइट एंड है ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया। तो जब इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस तरह से, तो दे आर इन पैरेलल। अब ये इसका इक्विवेलेंट तब होगा जब इसके अक्रॉस मैं अगर एक बैटरी लगाता हूँ V वोल्ट की, तो ये जो करंट यहाँ पर ड्रॉ करेगा एग्जैक्टली वही करंट सेम बैटरी यहाँ ड्रॉ करवानी चाहिए, कुछ इस तरह से। तो अब PD अक्रॉस AB, अब देखो मैं हर बार वही चीज़ यूज़ करता हूँ, PD दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट, मतलब पूरा जो सर्किट है उसका स्पाइन है ये। तो A माइनस B क्या हो जाएगा, वाई दिस पाथ, उसके लिए आपको इसमें कुछ करंट अज्यूम करना पड़ेगा। से आपने x अज्यूम कर लिया तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें i माइनस x होगा, बिकॉज i आ रहा था, x ऊपर गया, बचा हुआ i माइनस x यहाँ से जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वाया दिस पाथ कितना हो जाएगा, x r1।
वाई दिस पाथ कितना हो जाएगा, दिस करंट इन टू आर टू, बिकॉज आपके साथ ही जा रहा है ये, आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, बिकॉज आप ए माइनस बी निकाल रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो, करंट आपके साथ है, तो आई इन टू आर, तो आई कितना, आई माइनस एक्स इन टू आर टू. नाउ वाई दिस पाथ, ये वी हो जाएगा. इफ यू लुक एट दिस, तो इसमें ए माइनस बी कितना हो जाएगा, आई इन टू आर ई. वाई दिस पाथ, ये वी हो जाएगा. नाउ यहाँ से जो करंट की वैल्यू आएगी और जो यहाँ से करंट की वैल्यू आएगी, उन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे. सो दिस सेट ऑफ इक्वेशन विल गिव यू x as this. अब इस x को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको i मिल जाएगा. तो यहां से आपकी i की वैल्यू इतनी आई है, और यहां से i की वैल्यू आई है v by re. सो ये v by re और ये दोनों का कंपेयर करोगे, v v कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलता है यहां पे 1 by re s r1 plus r2 by r1 r2. इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 by re equal to 1 by r1 plus 1 by r2, जो कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हाउ टू ऐड पैरेलल रेजिस्टर्स. तो लेट्स गेट बैक टू द मेन पॉइंट, जो कि ये था कि इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा जाए. तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिप्लेस किया, उसी तरह से इन ब्रांचेस को इक्विवेलेंट ब्रांच से कैसे रिप्लेस किया जाए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी तरह ये वाले सेक्शन को इस वाले सेक्शन से रिप्लेस कर दूं, तो मेरा काम हो गया. तो ये दो ब्रांचेस को इससे कैसे रिप्लेस किया जाए, ये करने के लिए इक्विवेलेंट बैटरी का मेथड क्लियर होना चाहिए, जिसको मैं जनरलाइज कर देता हूं. तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा इक्विवेलेंट बैटरी का कॉन्सेप्ट. देखो, इसमें मैंने एक सेटअप लिया है जिसमें चार ब्रांचेस हैं, और हर ब्रांच में एक रजिस्टर है R1, R2, R3, R4, और उसके अलावा इनके पास बैटरीज हैं. तो यहाँ V1 है, यहाँ पर बैटरी नहीं है, तो मैं जीरो वोल्ट की बैटरी मान लूंगा. ठीक है, यहाँ एक बैटरी, यहाँ एक बैटरी है, उनकी पोलैरिटीज किसी की उधर है, किसी की इधर है. अब मुझे बोला गया है इस पूरे के पूरे सेटअप को एक इक्विवेलेंट से रिप्लेस करो. तो इस इक्विवेलेंट में एक V इक्विवेलेंट आया है, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और एक R इक्विवेलेंट आया है. अब ये इसका इक्विवेलेंट तब कहलाएगा जब इसका जो रिस्पांस है इस रेजिस्टेंस वाली वायर को लगाने के बाद, वही सेम रिस्पांस इसका भी होना चाहिए सेम रेजिस्टेंस वाली वायर लगाने के बाद, कुछ इस तरह से. तो इसका मतलब जो करंट ये ड्रॉ करेगा, एग्जैक्टली सेम करंट ये भी ड्रॉ करना चाहिए, तब हम बोल पाएंगे कि ये ए बी के बीच की जो लाइन है, ये इस पूरे सेटअप का इक्विवेलेंट है, बिकॉज दोनों को दोनों का रेस्पॉन्स जो है इस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के साथ वो सेम है. अब यहाँ पर दो लेवल हैं, एक तरीका तो ये कि मैं आपको सीधा इसका फॉर्मूला बता दूँ और आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो, और एक ये कि मैं इसको प्रूव भी कर दूँ. तो मैं पहले इसका फॉर्मूला बताता हूँ आपको, जिसमें आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यूज़ कैसे करना है, और उसके बाद हम उसको प्रूव भी कर देंगे फटाफट. तो फॉर्मूला जाने से पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन देख लीजिए आप. इक्विवेलेंट बैटरी मेथड कैन बी यूज ओनली फॉर दोज ब्रांचेस वेयर एटलीस्ट वन रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट. मतलब ये जो ब्रांचेस हैं जिनको आप एक से रिप्लेस करना चाहते हो, उनमें कम से कम एक रेजिस्टेंस तो होना जरूरी है. अगर एक भी रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको आप इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं बना सकते. और दूसरी बात ये है कि अगर उसमें एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो आप उनको ऐड करके सीरीज में एक ले आइए, और बैटरी अगर नहीं है तो जीरो बैटरी मान लीजिए. तो अब देखते हैं कि इसमें आर ई और वी की क्या वैल्यूज हैं. तो ये हैं आर ई और वी की वैल्यूज, फटाफट देखते हैं. देखो, ये आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, ये चार जो रेजिस्टेंस है ना, ये पैरेलल में माने जाएंगे अगर आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. तो इसमें कई लोग बोलते हैं कि सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में तब होंगे जब इनका जो राइट हैंड है वो राइट हैंड से कनेक्टेड है, ठीक, कनेक्टेड है डायरेक्टली, मगर जो इनका लेफ्ट हैंड है उनके बीच में कुछ और नहीं आना चाहिए. ठीक है, आप ध्यान से सुना होगा मैंने बोला था इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए. इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आई कैन स्टिल से कि ए और बी के बीच में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप इन चारों को पैरेलल में ले सकते हो. फॉर एग्जांपल, इन दिस केस यहाँ पर देखिए आप, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड है लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ आ गया, यहाँ पर भी कुछ आ गया. बट स्टिल अगर मुझे ये पूछा जाए कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो स्टिल आई विल से ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस 2 ओम ही है, भले यहाँ कैपेसिटर आ जाए, भले यहाँ बैटरी आ जाए. तो ये जो छोटा सा ट्रैप है, ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूज किया गया है क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए. बट आपको ये ध्यान देना है, जब आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको इसको इससे रिप्लेस करना है, और आपको वी को भी आपको सीधा वायर से रिप्लेस करना है, राइट. एक्चुअली कैपेसिटर के केस में भी ऐसा होता है, जो हम थोड़ा बाद में आके देखेंगे. तो इस केस में क्या हुआ है कि आपने इन चारों को पैरेलल में ले लिया है, एंड यू गॉट 1 बाय आर ई एज दिस. तो इस तरह से आपको इस आर ई की वैल्यू मिल जाएगी. अब दूसरी बात है वी ई की वैल्यू, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कन्वेंशन यूज़ करते हैं. कन्वेंशन मतलब मैं अपने हिसाब से अपना साइन देखूंगा कि कहाँ प्लस लेना है, इधर या इधर. तो मैंने अपनी मर्जी से मैंने ये प्लस मान लिया है,
राइट, मैं ये प्लस भी ले सकता था लेकिन मैंने ये प्लस लिया है, और एक्चुअल में अगर मेरा आंसर राइट आएगा तो वी ई की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और मेरा आंसर मतलब मेरा कन्वेंशन गलत है तो मेरी वी ई की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो मैंने वी ई को यहाँ पॉजिटिव मान लिया। अब देखिए जो जो बैटरीज इस साइड पॉजिटिव है, आई रिपीट, जो जो बैटरीज इस साइड पॉजिटिव है वो यहाँ प्लस की तरह कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, जैसे वी वन एंड वी फोर। देखिए अब वी वन पॉजिटिव है यहाँ पर, तो वी वन बाय आर वन, सी वी वन बाय आर वन, ठीक है। इसमें कोई बैटरी नहीं थी, कोई बैटरी नहीं थी तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। मैंने एक स्माइली डाल दिया, ये जीरो है एक्चुअली, तो कोई बैटरी नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब इसमें देखेंगे आप ये उस साइड पॉजिटिव है, आपने अपनी पॉजिटिव कन्वेंशन यहाँ ली है और ये उस साइड पॉजिटिव है, तो ये माइनस वाई वी थ्री बन के आएगा, इट कम इज माइनस वी थ्री। लुक एट दिस वन, वी फोर इस साइड पॉजिटिव है जो आपके कन्वेंशन के साथ में है, तो ये प्लस वी फोर आएगा। तो कुल मिला के मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने अपना कन्वेंशन पॉजिटिव बैटरी का ऐसे लिया है, तो जो जो बैटरी इस पॉइंट को फेवर करती है राइट साइड को वो प्लस में आती है, तो वी वन एंड वी फोर, तो वी वन एंड वी फोर आपकी पॉजिटिव में आ गई है, और वी थ्री इधर की तरह पॉजिटिव थी मतलब उधर की तरह नेगेटिव थी तो वो माइनस की तरह आती है। सो दैट वेज आई विल गेट सम रेशियो एंड दैट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद आर ई, जो आपने आर ई आई कैलकुलेट किया उससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपको जो यहाँ वी ई की वैल्यू मिलेगी वो एग्जैक्टली आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो कुल मिला के आपको इस पूरे सिस्टम का इक्वलेंट मिल जाएगा, जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर सकते हो। अब इसमें जैसे मैंने पहले बताया था, अगर बैटरी नहीं है तो जीरो मान लेते हो, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं तो आप उनको सीरीज में ऐड कर लेते हो, और रेजिस्टेंस नहीं है तो दैट ब्रांच कैन नॉट बी दी पार्ट ऑफ योर इक्विवेलेंट सर्किट। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी प्रैक्टिस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें तीन ब्रांचेस हैं और पूछा गया है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट इफ यू रिप्लेस इट बाय वन ब्रांच। तो वो ब्रांच मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा जिसमें ये आर इक्विवेलेंट है और ये वी इक्विवेलेंट है। तो आर ई की वैल्यू फटाफट निकाल देंगे कैसे, 12 एंड 4 एंड 6 दे आर इन पैरेलल, दैट गिव्स अस आर ई एस 2 ओम। फाइन, 12 4 और 6 पैरेलल में आ गया तो आर ई आपका 2 ओम आ गया। नाउ वी को निकालने के लिए मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा, जिसमें मैंने अपना कन्वेंशन वापस से यहाँ पॉजिटिव लिया है, तो जो बैटरी यहाँ पॉजिटिव है वो प्लस हो जाएंगी और जो बैटरी यहाँ पर पॉजिटिव है वो माइनस हो जाएंगी। तो इस केस में जैसे ये वाला यहाँ पॉजिटिव है तो बोलूँगा 24 बाय 6, इसमें कोई बैटरी नहीं है तो उसको इग्नोर मार दो, इसमें बैटरी है मगर इधर की पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव 36 बाय 12 होल इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना है 2। देखिए मैंने दिस पूरे ब्रैकेट को आर इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई किया था, ध्यान रखना कई लोग गलती करते हैं आर इक्विवेलेंट भूल जाते हैं, तो आर इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई किया एंड सिंप्लीफाई करके मुझे मिलेगा 2 वोल्ट, मतलब ये बैटरी आपकी होगी 2 वोल्ट की। तो इस पूरे सिस्टम को आप एक 2 वोल्ट की बैटरी और एक 2 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका जो रिस्पांस रहेगा बाकी के सर्किट में वो एग्जैक्टली सेम रहेगा जो इसका रहता है, राइट। तो अब फटाफट इस क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था। आपका ऑब्जेक्टिव था इसमें करंट निकालना, तो जिसमें आपको करंट निकालना है, जिस वायर में आपको करंट निकालना है उस वायर को आप एक्सक्लूड करो, दैट हैज टू बी आइसोलेटेड, वो आपके इक्विवेलेंट बैटरी का पार्ट नहीं हो सकती। आई रिपीट, जिस वायर में आपको करंट निकालना है उसको आप इक्विवेलेंट बैटरी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जैसे यहाँ तीनों वायर्स को मैंने इक्विवेलेंट बैटरी में इन्वॉल्व किया था, तो यहाँ पर मैंने इन चारों वायर्स को इन्वॉल्व किया था, बट इस केस में मैं सिर्फ इन दोनों वायर्स को ही इन्वॉल्व करूंगा क्योंकि मुझे इसमें करंट निकालना है। अगर बाई चांस मैंने गलती से इसको भी इक्विवेलेंट में इन्वॉल्व कर लिया तो गायब हो जाएगा ये, राइट, मुझे पता भी नहीं चलेगा उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो इस पार्ट को मैं अलग से लेता हूँ और इसको मैं इक्विवेलेंट से रिप्लेस करता हूँ। तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस केस, तो देखो 6 और 3 दोनों पैरेलल में आ गए तो ये कितना हो जाएगा 2 ओम। सिमिलरली जब आप इसकी बात करोगे वी की, तो वी आपने यहाँ पॉजिटिव लिया है, राइट, तो बैक टू बैक तीनों केसेस में मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया है, इधर भी पॉजिटिव लिया था, इसमें भी यहाँ पॉजिटिव लिया है और इसमें भी यहाँ पॉजिटिव लिया है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप यहीं पॉजिटिव लो, आप यहाँ भी पॉजिटिव ले सकते हो, ठीक है। और इस केस में मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया है, तो देखिए ये जो बैटरी है 9 वोल्ट वाली ये इधर फेवर कर रही है, राइट, तो वी कितना हो जाएगा कुछ इतना। देखिए इस फॉर्मूले को यूज़ किया मैंने यहाँ पे, ये बैटरी आपकी 9 इधर की है तो 9/3 इधर आ गया, देन 12 उधर थी तो माइनस लगाया, -12/6 आ गया, राइट, होल इंटू जो आपका इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था 2 ओम ये आ गया। तो यानी सिंप्लीफाइड यू गेट 3 - 2 × तो लकीली यहाँ भी 2 वोल्ट आ रहा है जैसा कि यहाँ पर आया था। तो ये जो ब्रांच है इसको आप बोल सकते हो कि इसमें एक 2 वोल्ट का बैटरी है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये जो ब्रांच है ये एग्जैक्टली उसी तरह बिहेव करती है जैसे ये बिहेव करता है मैश, तो इसमें आप आराम से यहाँ पर करंट निकाल सकते हो। तो करंट कितना आ जाएगा 8 + 2 = 10
और 10/5 2 एम्पियर. आपको याद होगा पहले मैंने जो इक्वेशन लिखी थी दो वेरिएबल दो इक्वेशन जो क्रिचॉफ लॉ से भी आती है उनसे भी मेरा आंसर 2 एम्पियर आया था. तो ऑफकोर्स आना तो सेम ही है बिकॉज मेथड करेक्ट है. मैंने स्टूडेंट्स को कुछ इस टाइप के केसेस में थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए देखा हुआ है. जैसे जब हम इन केसेस को सॉल्व करते हैं मान लो मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज द करंट इन दिस, तो जब करंट निकालूंगा तो हमें मालूम है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट सपोर्ट करता है ये भी एंटी क्लॉकवाइज करंट सपोर्ट करता है. तो बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं हमारा ये रहता है कि ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं राइट. और जब हम इसका इक्विवेलेंट लिखने जाते हैं मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से ये ए है और ये पॉइंट बी है इनके बीच में मुझे इनका इक्विवेलेंट लिखना है तो इक्विवेलेंट कुछ ऐसा आता है कुछ इस तरह से जहां पर आर ई की वैल्यू इन दोनों के पैरेलल कनेक्शन से आ जाती है आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू और ई इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है इसकी वैल्यू जो है वो आती है आपने इसको यहां पॉजिटिव माना है तो ये वाला लेंगे आप पहले पॉजिटिव इवन बाय आर वन ठीक है. हर केस में मैं इसको पॉजिटिव ले रहा था अब मैंने इस केस में ये पॉजिटिव लिया है राइट तो ये वाला फेवर करेगा इवन बाय आर वन माइनस ई टू बाय आर टू. तो स्टूडेंट्स को कई बार लगता है अरे यार जब मैंने करंट निकाला था तो दोनों ऐड हो रहे थे यहाँ माइनस हो रहे हैं तो थोड़ा एकदम क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आता है दिमाग में थोड़ा सा और यहाँ कन्फ्यूज होते हैं लोग. लेकिन ध्यान दीजिएगा जब आप करंट निकालते हो तो दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी. अगर करंट निकालना तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं दैट इज वन थिंग बट मैं करंट नहीं निकाल रहा हूँ मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये और करंट निकाला दोनों चीजें ही अलग है. तो पहले से अपने दिमाग को थोड़ा क्लियर रखो कि इस तरह की चीजों में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए. अच्छा इसमें आपको एक पॉइंट सुनकर शायद थोड़ी खुशी मिलेगी कि जेई 97 का 5 नंबर का क्वेश्चन था तो एग्जैक्टली यही था वैल्यूज भी सेम थी. क्वेश्चन ये था कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स फॉर दिस सर्किट. तो रेगुलर मेथड जो है थोड़ा मैथ लंबा है लेकिन शॉर्टकट क्या है जब उसने बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स तो हम क्या करेंगे इसका इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर देंगे इसको. तो रिप्लेस करके आपकी इक्विवेलेंट की वैल्यू एग्जैक्टली ये आती है. ऑफ कोर्स आर ई की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 5 मार्क प्रॉब्लम था. अब इसको करने का जो रेगुलर तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें आप करंट आई अज्यूम करते हो और आई की वैल्यू निकाल लेते हो तो आई कितना आ जाएगा दीज टू बैटरी का समीशन बाय आर का समीशन मतलब कुछ इतना. तो करंट आ गया अब निकालना है ए माइनस बी. क्वेश्चन यही था व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी तो वील गो वाया दिस पाथ. तो व्हाट डू वी गेट ए से बी की तरफ जाएंगे ठीक है. पहले बैटरी फेस की आपने और बैटरी का पॉजिटिव यहीं पर ही है तो ये हो जाएगा ई वन. फिर यहाँ पर आ जाओ आप अब यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो लेकिन करंट आपका यहाँ आ रहा है तो माइनस आई आर वन हो जाएगा वो कुछ इस तरह से. नाउ आई की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो सो वील गेट दिस. जब उसको एक्सपैंड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ ऐसा. ये जो एल्जेब्रिक पार्ट है मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये आप वीडियो पॉज करके खुद भी देख सकते हो अगर आपकी ज़रूरत है तो नहीं तो एनीवेज स्पीड से चले दीजिए. तो ये आपका आ गया वी ए माइनस सी बी मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस रेगुलर मेथड से इतना आया है. अब ये चीज़ आपने डायरेक्टली यहाँ लिख दी थी. देखिए वी ए माइनस सी बी जो है वो कैसे निकालेंगे आप इसको इस बैटरी से रिप्लेस कर दीजिए. जब आपने सिंगल वायर से रिप्लेस किया है तो इसमें करंट जाने का सवाल ही नहीं होता. जब सिंगल वायर है तो करंट कहाँ से आएगा इट्स इनकम्प्लीट सर्किट. तो पी डी अक्रॉस ए एंड बी निकालना है तो वो कितना हो जाएगा सिर्फ ई ई हो जाएगा दैट्स दिस इक्विवेलेंट इज द पी डी अक्रॉस ए एंड बी क्योंकि इसमें करंट कुछ जा नहीं रहा है तो जीरो इंटू आर ई हो जाएगा वो है ना. तो ई माइनस जीरो तो दिस इज द फाइनल आंसर जो कि एग्जैक्टली इसके बराबर है. इट वॉज अ 5 मार्क प्रॉब्लम. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द इक्विवेलेंट बैटरी मेथड. बट ये एक ऑप्शनल है अगर आपको समझना है इसके बारे में तो आप वीडियो थोड़ा पॉज करके डिटेल्स देख सकते हैं. नहीं तो अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने बता दी है. क्या रिक्वायरमेंट थी कि किस तरह से आप इक्विवेलेंट बैटरी के लिए रेजिस्टेंस और बैटरी को निकालते हैं. बट लेट्स लुक एट द प्रूफ वेरी क्विकली. अब मान लो इसमें मैंने एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया कुछ इस तरह से तो ये जितना करंट ड्रॉ करेगा एग्जैक्टली इसका इक्विवेलेंट भी उतना ही ड्रॉ करना चाहिए अगर मैं सेम रेजिस्टेंस यहाँ भी लगाता हूँ तो. सिस्टम आप समझ लीजिए फटाफट. इसके अंदर n ब्रांचेस हैं देखिए 1, 2, 3, 4 अप टू n ब्रांचेस हैं बीच की ऑफकोर्स लिख नहीं सकता मैं और सबकी मैंने पोलैरिटी इधर पॉजिटिव ली है e1 e2 e3 राइट. तो अगर बाई चांस को इधर होता है तो उसमें हमको e2 की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ती है बट मैं जनरलाइज प्रूव कर रहा हूँ तो सारे मैंने इधर पॉजिटिव माने हैं और सब ब्रांचेस में एक रेजिस्टेंस है r1 r2 अप टू rn. तो एवरी ब्रांच हैज गॉट वन बैटरी वन रेजिस्टेंस पोलैरिटी दिस से तो अब उसकी पोलैरिटी दिस साइड है तो बट नेचुरल जो इक्विवेलेंट आएगा उसकी मेरे को यहाँ लेना ठीक रहेगा. तो मैंने इसकी पोलैरिटी यहाँ पॉजिटिव मान ली है और इसका आर इक्विवेलेंट है तो अब प्रूफ कर दूंगा मैं आर ई और ई की वैल्यू कैसे आती है. तो मैंने अज्यूम किया है इन ब्रांचेस में इंडिविजुअली आई वन आई टू आई थ्री अप टू आई एन करेंट जा रहे हैं जो टोटल है वो है कैपिटल आई नॉट. तो अगर ये कैपिटल आई नॉट है और ये इसका इक्विवेलेंट है तो इसमें भी कैपिटल आई नॉट जाना ही चाहिए. नाउ मैंने इन दोनों पॉइंट्स के लिए पी डी लिखा है पी डी अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स वाया दिस पाथ. वाया दिस पाथ क्या होगा देखो
ईवन माइनस आईआर, क्यों माइनस लिया, बिकॉज करंट आप कैसे आ रहा है और आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो ईवन माइनस आईआर, तो ईवन माइनस आईआर, आई कौन सा आई1, आर कौन सा आर1, नाउ पीडी अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स वाया दिस पाथ लिख दिया मैंने, तो आप करंट के साथ जा रहे हो तो ये प्लस आई नॉट आर हो गया, राइट। नाउ सिमिलरली ए माइनस बी वाया दिस पाथ लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा ई टू माइनस आई आर, तो इसका ई टू माइनस आई आर, तो लाइकवाइज मैं सबके लिए ए माइनस बी लिखूंगा और मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। सो ये पूरी मैथमेटिकल प्रोसेसिंग करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है ई इक्वलेंट इक्वल टू दिस, जो मैंने आपको एज ए रिजल्ट पहले बता दिया था। इसमें ये जो मैंने लाइंस लिखी हैं इनको यूज करके I1 की एक्सक्लूसिव वैल्यू निकाली गई है, जैसे इस केस में I1 क्या हो जाएगा E1 माइनस I0 R होल डिवाइड बाय R1, तो मैंने इसको यहां लिख दिया। लाइकवाइज सारे I1 I2 अप टू IN मैंने यहां निकाल दिए, राइट। अब मुझे पता है कि इन I1 I2 I3 अप टू IN को ऐड करूंगा तो I0 ही मिलने वाला है, सो आई गॉट दिस। अब मैंने इन सारे I1 अप टू IN की वैल्यूज को मैंने वहां सब्स्टिट्यूट किया, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है, एंड एक छोटा सा पॉइंट मैंने जो यूज किया है वो है दिस, मतलब कि जब मैं इन सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में लेता हूं तो उनका इक्विवेलेंट जो है वो आर ही है, तो वन बाय आर ही हैज टू बी इक्वल टू दिस। तो इस रिजल्ट को मैंने यहां पर यूज किया है, थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ में मुझे मिल गया ये वाला एक्सप्रेशन, इसकी जो वैल्यू आती है वो ये आ जाती है। अब जो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट है उसको मैं देखता हूं तो समझ में आता है कि ये जो आई नॉट है वो कुछ ये रिलेशन फॉलो करता है, राइट। अभी दोनों सेम है, इससे हमें ये प्रूफ मिल जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लो उसको, नहीं तो कोई खास जरूरी चीज है नहीं। वैसे ये काफी इजी प्रॉब्लम है, वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी इज 6 वोल्ट। तो जब इसने पहले ही मेंशन कर दिया है कि इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो करंट है वो इसमें होगा 6/3, दैट इज 2 एम्पीयर। तो उसको थोड़ा और फंडामेंटली देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि इसमें करंट आई जा रहा है, तो अगर आई करंट जाएगा तो वी ए माइनस सी बी कितना हो जाएगा 3i। अब 3i की वैल्यू पहले दे रखी है हमें 6, एंड हेंस वी गेट अ वैल्यू ऑफ आई एस 2 एम्पीयर। नाउ लुक एट दिस पार्ट, इसमें जो दो ब्रांचेस हैं इनको अगर हम एक ब्रांच से रिप्लेस कर दे, प्रिसाइसली इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर दे, तो ये पूरा का पूरा सर्किट मुझे सिंगल लूप सिस्टम दिखाई देगा कुछ इस तरह से। तो ये जो सेक्शन है इसको मैंने एक वायर से रिप्लेस किया है, फाइन। अब ये देखो बाहर का जो पूरा आपका ब्रांच था उसमें 3 और 1 4 ओम का रेजिस्टेंस था, तो मैंने 4 ओम क्लैप कर दिया, 3 वोल्ट एज इट इज छोड़ दिया, और ये मुझे एक्स निकालना है तो उसको मैंने ऐसे रख दिया। तो अब इसमें मुझे पता है कि 2 एम्पीयर करंट फ्लो रहा है, तो ये इस 2 एम्पीयर जो ये पूरे सिस्टम में फ्लो होगा। अब इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आर ई एंड वी ई, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपको निकालना है इसके पहले। तो 6 एंड 3 गिव्स यू 2 ओम। लाइकवाइज यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी ई ऑल्सो। अब देखिए मैंने अपनी कन्वेंशनली इक्विवेलेंट बैटरी इस साइड मानी है पॉजिटिव, है ना, इस साइड, और लकीली दोनों के दोनों इसी साइड हैं, इनफैक्ट इसीलिए मैंने उसको साइड माना है। तो V की वैल्यू आएगी 12/6 एंड देन 9/3 हियर एंड होल मल्टीप्लाइड विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 2, तो इट कम्स आउट टू बी 10 वोल्ट। तो मतलब मुझे इक्विवेलेंट बैटरी जो मिली है वो अपनी 10 वोल्ट की है। अभी सिस्टम काफी अंडर कंट्रोल लग रहा है। अब देखिए आपके पास एक बैटरी है 10 वोल्ट की यहाँ पे, ठीक है, 3 वोल्ट की यहाँ पर है, और आपके पास कुछ रेजिस्टर्स भी है, एक 4 का है और एक 2 का है और 2 एम्पीयर है। तो 2 एम्पीयर करंट है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो बट नेचुरल है 12 वोल्ट की नेट बैटरी रही होगी। सिस्टम बिकम लाइक दिस, ओके। तो 10 और 3 13, एक्स को आपने ऐसे छोड़ दिया, 4 और 2 6, 2 एम्पीयर करंट फ्लो रहा है, मतलब 6 से 12, ये टोटल बैटरी 12 वोल्ट की होनी चाहिए, उसके लिए आपको इसको 1 वोल्ट का रखना जरूरी है। सो द आंसर इज 1 वोल्ट। नाउ कई लोग इसी क्वेश्चन को काफी लंबे तरीके से करते हैं, दे स्टार्ट राइटिंग इक्वेशंस x यहाँ पे, i प्लस x यहाँ पे, फिर i की वैल्यू एंड ऑल दोस थिंग्स, यू नो दैट इज नॉट समथिंग विच विल गिव यू आंसर वेरी फास्ट। सो आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए और फटाफट क्लिक करना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे किया जाए। सो सिमिलर लुकिंग सिचुएशन यहाँ पर इस सर्किट में आपसे पूछा गया है, वॉट इज वी पी माइनस वी क्यू। फास्ट फॉरवर्ड मत करना क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले मुझे बताइए कि VP माइनस VQ के लिए क्या मुझे इस वाले पार्ट का इक्विवेलेंट निकाल लेना चाहिए। इस वाले पार्ट का इक्विवेलेंट निकलता ही नहीं है क्योंकि ये जो वायर है ना इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो यू कांट फाइंड एनी इक्विवेलेंट बैटरी अगर आप यहाँ का कोशिश कर भी रहे हैं तो। दूसरी बात समझने की यह है कि ये जो आपको क्यू यहाँ पर दिया हुआ है ना, इट इज एज गुड एज ये क्यू यहाँ पर ही है, वो सिर्फ थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको यहाँ लिख दिया है, बट पॉइंट सेम ही है। प्रिसाइसली वीपी माइनस वीक्यू पूछ रहा है, अगर बाय चांस अगर आपको ये करंट मिल गया, ये वाला करंट मिल गया इस वायर में, तो वो काम हो जाएगा।
अब उसके लिए जो नेचुरल टेंडेंसी आपकी यही रहती है कि इक्विवेलेंट निकाल दें, बट मैंने बताया कि इक्विवेलेंट निकलेगा नहीं इसका, क्योंकि इस वायर में रेजिस्टेंस नहीं है। तो फिर दूसरा ऑप्शन दिमाग में आता है कई बार लोगों के, चलो किरचॉफ्स लॉ से कर लेते हैं इसको। बट अ बेटर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वुड बी टू रियलाइज द फैक्ट दैट इट इज गॉट टू इंडिपेंडेंट सर्किट्स। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पकड़ना पड़ेगा कि इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट सर्किट्स हैं। इंडिपेंडेंट सर्किट्स का मतलब क्या होता है, जरा उसको डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। जैसे इस सर्किट में थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया मैंने, मैंने एक और बैटरी लगा दिया 4 वोल्ट की। तो टेल मी विल इट मेक एनी डिफरेंस, क्या इस सर्किट में कोई डिफरेंस क्रिएट करेगी ये बैटरी? ये बैटरी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी, बिकॉज इन दोनों पॉइंट के बीच में पहले 4 वोल्ट था और अभी भी 4 वोल्ट ही है। थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं। तो मैंने आपको तीन सिचुएशंस दी हुई हैं और तीनों में मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनके इक्विवेलेंट सेल कितने होंगे। तो जैसे इस केस में ए और बी के बीच में दो बैटरीज हैं, 3 वोल्ट की और 2 वोल्ट की। तो अगर मैं उसको एक से रिप्लेस करूँ तो कितने का होगा ये? तो बट नेचुरल है 5 वोल्ट का होगा, क्योंकि 3 और 2 ऐड हो जाएंगे। अच्छा, इस केस में अगर मैं इसको एक से रिप्लेस करूँ तो ये सेल कितने वोल्ट का होगा? तो इसमें अगर आप बोलते हो 8 वोल्ट तो गलत हो, 2 वोल्ट तो भी गलत हो। इसका आंसर है ऑफकोर्स 4 वोल्ट, एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पता भी होगा ये। इट्स लाइक जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैं बोलता हूँ ये मार्कर है और आप भी बोलते हो ये मार्कर है। तो जब हम दोनों बोलेंगे ये मार्कर है, इसका मतलब ये नहीं है कि डबल मार्कर हो जाएगा, ये मार्कर ही रहेगा। बट अगर मैं बोलता हूँ मुझे एक मार्कर चाहिए और आप भी बोलते हो आपको एक मार्कर चाहिए, तो इसका मतलब हम लोगों को दो मार्कर चाहिए। तो दोनों में एक सटल डिफरेंस है, राइट? सेम इज द केस ओवर हियर। सो इस केस में ये बैटरी बोलती है कि इन दोनों के अक्रॉस वाया दिस पाथ 4 वोल्ट है, और ये बैटरी बोलती है इन दोनों के अक्रॉस वाया दिस पाथ 4 वोल्ट है। तो दोनों बैटरी एक ही बात बोल रही है, तो इफेक्टिवली वो बात ही करेक्ट होगी और ये 4 वोल्ट रहेगा। इसको 8 वोल्ट बोल देंगे तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा, क्योंकि ये बैटरी बोल रही है कि इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है और आप यहाँ 8 बोल रहे हो, तो डेफिनेटली 4 वोल्ट ही रहेगा। तो ये दोनों बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं। बट हाउ अबाउट दिस केस, इसमें ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है। मैं पूछता हूँ कि इसको एक इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया जाए तो ये कितना होगा? तो ये एक इलीगल सर्किट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली, बिकॉज एक सेल के हिसाब से ये पॉइंट इससे 4 ज़्यादा है और दूसरे सेल के हिसाब से ये पॉइंट इससे 5 ज़्यादा है। तो देर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन देयर एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, रियल लाइफ में अगर आप दो सेल्स को ऐसा लगा दो, राइट, तो वहाँ तो ऐसा है नहीं कि भाई वहाँ इलीगल सर्किट है तो कुछ जेल हो जाएगी। आप आराम से दो बैटरीज को ऐसे लगा सकते हो कुछ इस तरह से, और दोनों के क्रॉस अलग वोल्ट्स हैं, ये 1.5 वोल्ट की है, 9 वोल्ट की है। लेकिन इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स को टच कर दूँ और इन दोनों को नेगेटिव को टच कर दूँ कुछ इस तरह से, राइट, तो इस केस में क्या होगा? इसमें तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा उसका। तो प्रैक्टिकली जैसे कि मैंने अभी आपको केस दिखाया, उसमें 9 वोल्ट की बैटरी के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस था और 1.5 वोल्ट की बैटरी के साथ भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस था। तो ये पूरा का पूरा जो सर्किट था वो कुछ इस तरह की इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस हो जाता है। बट इस केस में मैंने आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं दिए थे, तो ये बोलना गलत होगा। इट इज़ एज गुड एज मैं पूछ रहा हूँ आपसे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/0, तो इट इज़ मीनिंगलेस। सो जिस तरह से इस केस में एक बैटरी की बजाय दो या दो की बजाय एक लिख सकते हैं, एग्जैक्टली सेम इज द केस ओवर हियर। ये जो बैटरी है ये बोलती है लोएस्ट पॉइंट जो है अपर वाले पॉइंट से 4 वोल्ट ज़्यादा है। तो इस केस में मैंने एक और बैटरी लगा दी और वो बैटरी भी एग्जैक्टली सेम पॉइंट बोलती है कि लोअर पॉइंट जो है ऊपर वाले पॉइंट से 4 वोल्ट ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लगाऊँ, दो एक्स्ट्रा लगाऊँ या 10 एक्स्ट्रा लगाऊँ, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द सर्किट। बट ये ज़रूरी है कि इस वायर के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए था। इसके अंदर रेजिस्टेंस होता और आप दो वायर लगाए थे तो सिस्टम ही पूरा चेंज हुआ था। तो कुल मिला के हमारा कंक्लूजन यहाँ तक ये निकला है कि ये एक्स्ट्रा बैटरी लगाने के बावजूद भी आपने इस सर्किट को चेंज नहीं किया है, मतलब दोनों सिस्टम एग्जैक्टली सेम है। अब इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये एनालाइज करना होगा कि अगर मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूँ तो भी क्या मेरा ये सिस्टम ओरिजिनल सर्किट के बराबर है, एग्जैक्ट है? अब देखो, ओरिजिनल सर्किट के बराबर है ये बात हम तब कह पाएंगे जब इसके अंदर जो ब्रांचेस हैं, अब प्राइमरी 3 ब्रांचेस हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों ब्रांचेस के अंदर जो भी बिहेवियर है वो एग्जैक्टली यहाँ भी सेम रहे। तो पहले हम लेफ्ट वाली ब्रांच को एनालाइज करते हैं। तो ये वाली ब्रांच यहाँ पर इधर है। तो देखो, इन केस अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? 4 + 2 = 6/3, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। सो ये 2 एम्पियर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अच्छा, इस ब्रांच में जो यहाँ पर करंट जाएगा वो भी एग्जैक्टली 2 एम्पियर ही होने वाला है, और ये जस्टिफाई करना कुछ मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज पीडी अक्रॉस 0 पॉइंट इज 4 वोल्ट है ना, वाया दिस पाथ, एंड इन दिस केस ऑल्सो इट इज 4 वोल्ट वाया दिस पाथ। तो इस पाथ से ये 4 वोल्ट को जस्टिफाई करने के लिए आपको 2 एम्पियर भगाना पड़ गया यहाँ पर। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम ब्रांच होने की वजह से और सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ भी 2 एम्पियर ही आएगा। आप चेक कर सकते हो, यहाँ से देखो, पीडी अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने एल,
सो ये पॉइंट एल हो जाएगा, ये पॉइंट क्यू है. सो पी डी अक्रॉस एल एंड क्यू वाया दिस पाथ विल बी इक्वल टू, अब देखो एल माइनस क्यू निकाल रहे हो तो ऐसे जाओगे, ठीक है, करंट आपके साथ है 2 into 1, अब बैटरी माइनस 2, अब करंट आपके साथ है 2 into 2, तो अब आप देखो तो ये पूरा का पूरा 4 वोल्ट है, राइट, जो कि यहां पर भी दिख रहा था और ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको वैसे भी दिख गया होगा यार. अब सेम इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस ब्रांच ऑल्सो, तो ओरिजिनल सर्किट में जो करंट यहां फ्लो रहा होगा एग्जैक्टली सेम करंट यहां भी फ्लो रहा होगा, है कितना, तो इसमें 5/5 1 एम्पियर कुछ ऐसे फ्लो होगा. सो इन दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस नए वाले सिस्टम में एज वेल एज पुराने वाले सिस्टम में सेम करंट जा रहा है, और अगर करंट सेम जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रजिस्टर भी सेम होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अक्रॉस जो पीडी होगा ना नए सिस्टम में वो कितना होगा आईआर, और वही पीडी पुराने सिस्टम में भी इसके अक्रॉस होगा आईआर, क्यों, आर तो सेम है और आई भी आपने सेम प्रूव कर दिया. तो इस बात को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे हम सारे रजिस्टर्स के लिए, तो जितने भी रेजिस्टेंस इस ब्रांच में थे, आई मीन इस सर्किट में थे, उन सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पीडी यहां पर था वही सेम पीडी इस नए वाले सिस्टम में भी है, और करंट तो आप देख ही चुके हो कि करंट भी सेम है, तो कुल मिलाकर करंट भी सेम है, पीडी भी सेम है, तो डेफिनेटली ये सिस्टम और सिस्टम सेम हो गए ना यार. बट इसमें एक छोटा सा कैच है, उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा. वो कैच ये है कि जो 4 वोल्ट की बैटरी है उसमें नए सिस्टम के हिसाब से 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है. अब इसमें 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसमें 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और ओरिजिनल सर्किट में शायद कुछ और फ्लो करेगा. तो जो ओरिजिनल सर्किट में 4 वोल्ट की बैटरी है उसमें अगर आपको करंट निकालना है तो आपको बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इसका और इसका एडिशन कर दिया जाएगा तो आपको मिल जाएगा 3 एम्पियर. तो सिर्फ ये वाली एक ब्रांच है जो कि थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करती है ओरिजिनल सिस्टम में और नए वाले सिस्टम में, लेकिन वो जो डिफरेंट बिहेवियर है इस वाली ब्रांच का दैट डज नॉट अफेक्ट रेस्ट ऑफ द सर्किट. रेस्ट ऑफ द सर्किट इंडिपेंडेंटली सेम रहता है. तो इसको मैं बोल सकता हूं दे आर इंडिपेंडेंट सर्किट, इस केस को बोल सकता हूं दे आर इंडिपेंडेंट सर्किट, और मैं इस सिस्टम को इस तरह से तोड़ सकता हूं, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ 4 वोल्ट की बैटरी का ध्यान देना पड़ेगा. अगर पूछा है तो इन दोनों को ऐड कर दो और वो 3 एम्पीयर आ जाएगा. तो जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था यहां पे वो ये था, यू हैव टू फाइंड आउट VP-VQ, आपको VP-VQ निकालना था, राइट. तो VP-VQ इतने बड़े सर्किट में मेहनत करोगे, इससे अच्छा आप यहां देख लो. तो बहुत सिंपल सी बात है, P-Q निकालना है, P से Q की तरफ बढ़ो आप, पहले आप इस बैटरी को फेस करोगे तो कितना आएगा -2, ठीक है, फिर यहां पहुंच गए, अब करंट आपके साथ है, देखो P से Q जा रहे हो, करंट आपके साथ है, कितना 2 एम्पियर, तो 2 into 2 4, तो आंसर विल बी 2 वोल्ट. दैट वॉज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड हियर. अगर इस केस में उसने पूछा होता कि इस बैटरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 3 एम्पियर, जिसके लिए आपको इन दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा. अगर आपसे ये पूछा होता कि इसमें कितना करंट है तो आप सीधा बोल देते 1 एम्पियर. तो इस पॉइंट को लेकर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है, मतलब अगर आप ओरिजिनली अपने किरचॉफ लॉ को यूज करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कुछ कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा है कि आप एलजेब्रा में अटक जाओगे. तो वहां पर आपको फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम ऐसे केसेस में इनको अलग कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं, एंड वी कॉल इट इंडिपेंडेंट सर्किट. तो क्विक समरी, जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को मिले जहां पर दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक बैटरी है तो आप उस बैटरी को डुअल कर दो, ऐसे दो बना दो, ठीक है, जैसे मैंने यहां बनाया, और आपका ये सिस्टम ऐसा दिखने लग गया. फिर बाद में आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो डिस्कनेक्ट करते ही जो सबसे मेजर एडवांटेज आपको मिलता है वो मिलता है आपका सर्किट बहुत छोटा हो जाता है, और आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जहां पर अगर आपको ये पॉइंट क्लिक नहीं हुआ तो आप पूरा एलजेब्रा में घुसोगे और एलजेब्रा इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो. तो दिस पॉइंट मस्ट क्लिक यू. सो ये क्वेश्चन वैसे कहने को तो एसी का है लेकिन इसमें भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो कि अभी मैंने इंडिपेंडेंट सर्किट के नाम से आपको पढ़ाया. तो इस क्वेश्चन में वैसे कुछ भी नहीं था लेकिन जस्ट बिकॉज ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं कई लोग इस क्वेश्चन को छोड़कर आ गए थे. अब आप तो ध्यान दें कि इसमें जो एसी सप्लाई दी है, आप लोगों ने एसी पढ़ा है तो अच्छी बात है, एसी नहीं पढ़ा है तो बता दूं ये भी एक बैटरी की तरह होता है, ठीक है, मतलब वेरी कैजुअली लेट से वेरिएबल बैटरी. तो ये जो बैटरी है भले ही वो वेरिएबल हो, मतलब टाइम के साथ वेरी करती है, तो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि भाई देखो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वाया दिस पाथ सिर्फ एक बैटरी है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है. तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, एक और बैटरी बनाएंगे कुछ इस तरह से, राइट. तो अब देख रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पहले एक बैटरी थी, अब दूसरी बैटरी भी आ गई, और वो बैटरी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए. वैसे वो एसी सप्लाई आया लेकिन ठीक है, समझाने के लिए बैटरी ले ली मैंने. अब
मैं इसको यहां से डिस्करेंट कर दूंगा। जब मैं इसको यहां से डिस्करेंट कर दूंगा तो मुझे एक सिस्टम यहां मिलता है, एक सिस्टम यहां मिलता है, और ये दोनों बहुत सिंपल केसेस हैं। तो एसी का अगर एबीसीडी पढ़ा हो आप लोगों ने तो आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हो। तो दिस इज इंडिपेंडेंट सर्किट, एंड और भी बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने इस इंडिपेंडेंट सर्किट को एज अ ट्रैप यूज करते देखा हुआ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज पावर डिसिपेटेड अक्रॉस आर, मतलब एक रेजिस्टेंस है उसमें किस रेट से हीट निकल रही है। तो इसका आंसर है कि एक रेजिस्टेंस जिसमें करंट आई जा रहा है उसमें आई स्क्वायर आर के रेट से हीट निकलती है, और टी टाइम में आई स्क्वायर आर टी जूल्स हीट निकल जाती है। अगर आपको इसका प्रूफ भी देखना है तो आगे के दो मिनट देख सकते हो या फिर इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकालने के लिए हम पहले इस सेटअप को कंप्लीट करते हैं। तो मान लो यहां पर एक बैटरी लगी हुई है और ये बैटरी इसमें करंट पंप कर रही है, दैट इज आई इक्वल टू ई बाय आर। सो जो मैंने आपको सेटअप दिया था एक रेजिस्टेंस वाला उसको मैंने चेंज नहीं किया है बट उसको कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसमें करंट आ ही रहा होगा। तो मैंने केस ले लिया कि इस बैटरी से करंट आ रहा है, तो इस केस में इस बैटरी द्वारा किया हुआ वर्क इस रेजिस्टर के थ्रू हीट की तरह निकलता है। तो बैटरी एग्जैक्टली कितना वर्क करेगी ये समझने के लिए हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से कॉन्सेप्ट वापस से रिकॉल करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि एक पॉइंट चार्ज क्यू जिसको हम ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं उसके लिए कितना वर्क करना पड़ता है। तो अगर हमें दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इज वी वोल्ट, देन वर्क डन इन पुशिंग दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू वी इंटू क्यू। तो आप ध्यान दें तो ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो लोअर से हायर पोटेंशियल पे आप लेके जा रहे हो किसी बॉडी को जिसमें चार्ज क्यू है, तो डेफिनेटली आपको वर्क करना पड़ेगा। तो दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो क्यू वी का वर्क आपने यहां पर किया। सिमिलरली अगर इस बैटरी के अक्रॉस मान लो क्यू चार्ज पास हो गया है तो ये हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे, सो यू कैन मैच इट विद दिस केस। ये बी वाला पॉइंट यहां पर आ गया, ए वाला पॉइंट यहां पर आ गया, तो इस बैटरी ने वर्क किया है क्यू इंटू ई इस चार्ज को यहां से यहां पुश करने में। अब थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में देखें तो बेसिकली जो बैटरी की इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी है वो यूज होती है ये वर्क करने के लिए। सो अल्टीमेटली हुआ ये कि बैटरी ने क्यू वी मैग्नीट्यूड का वर्क किया और वो वर्क इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी ने किया है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो जो क्यू ई है यहां से पास हुआ और अल्टीमेटली वहां से पास हो गया। सो अगर मैं ई को आई आर से रिप्लेस कर दूं इस पॉइंट पे तो मुझे मिलेगा, और हम पढ़ चुके हैं कि चार्ज होता है आई इंटू टाइम, मतलब एक क्रॉस सेक्शन को अगर करंट आई क्रॉस कर रहा है टी टाइम तक तो आई टी चार्ज क्रॉस होगा। इसमें एक अजम्पशन है कि आई कॉन्स्टेंट है, तो यहां से हमें मिल जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो इस बैटरी ने इतना वर्क किया है तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस इतनी हीट निकलेगी, और अगर पावर निकालना चाहेंगे तो टी से डिवाइड कर देंगे हम इसे और हमें मिलेगा आई स्क्वायर आर। सो दिस इज द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इन केस अगर आई कांस्टेंट नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इस केस में हम इस क्यू की जगह डी क्यू यूज करेंगे और यहां पर टी की जगह डी टी यूज करेंगे, स्टिल वी एंड अप गेटिंग द सेम रिजल्ट, दैट इज आई स्क्वायर आर। सो यहां पर तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस के बेसिस पे। अब पावर अक्रॉस अ रेजिस्टेंस इज लाइक द हीट डिसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस पर सेकंड, मतलब किस रेट से एक रेजिस्टेंस में से हीट निकल रही है उसको पावर भी बोल सकते हैं। इस तीनों क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नंबर टू है, जिसके बेसिस पे काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, फाइंड द पावर अक्रॉस एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू टू। तो अगर एक्स की वैल्यू टू है तो इसके अक्रॉस कितनी पावर डिसिपेट होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 12/6 करंट आएगा आपका 2 एम्पियर, और हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज आई स्क्वायर एक्स। तो आई की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पर 2 और एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 2, तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं इसमें 8 वॉट इस रेट से पावर डिसिपेट होगी। दूसरा क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, फाइंड एक्स सच दैट हीट डिसिपेटेड अक्रॉस एक्स इज मैक्सिमम। तो एक्स की क्या वैल्यू हो ताकि एक्स के थ्रू मैक्सिमम हीट डिसिपेट होगी। तो देखो हीट जब मैक्सिमम डिसिपेट होगी जब उसके अक्रॉस पावर मैक्सिमम है, क्योंकि पावर और हीट में रिलेशन यही है कि रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट इज पावर, मतलब पर सेकंड कितनी हीट निकल रही है उसी को पावर बोला गया है। पावर का फॉर्मूला मुझे पता है आई स्क्वायर एक्स। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि भाई आप इस टर्म को मैक्सिमाइज कर दो। नाउ एक्स इज अ पपेट इन अवर हैंड, एक्स को हम चेंज कर सकते हैं, तो एक्स को हम कैसा सेट करें कि ये टर्म मैक्सिमाइज हो जाए। तो उसको देख के लगता है कि आप एक्स को बढ़ा दो, इन्फिनिट कर दो। अगर आपको इन्फाइनाइट कर दोगे तो दिक्कत क्या है, करंट जीरो हो जाएगा, राइट। सो मैं आई की एग्जैक्ट वैल्यू डालता हूं तो आती है 12/रेजिस्टेंस। तो अब यहां से थोड़ी पिक्चर ज्यादा क्लियर हो रही है कि भी ऐसा नहीं है कि आप एक्स को सीधा बिंदास बढ़ाते रहो, एक्स को बढ़ाओगे
तो ये टर्म बढ़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये टर्म कम होगा। अब इसको देख के लगता है कि x को कम कर दो, बट अगेन आप x को कम करोगे, मान लो x को जीरो कर दिया तो ये भी कम हो जाएगा। तो देर हैज टू बी अ ट्रेड ऑफ। तो इसका जो ऑब्वियस मेथड क्लिक होता है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है डिफरेंशिएट कर दो इसको, आपको आंसर मिल जाएगा। बट इसको एक शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, बट आई विल डू वन थिंग, पहले मैं इसको मैथ से कर देता हूँ। सो ये इसका सोल्यूशन है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ पी हम लोग डी पी बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है, और उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। जीरो से इक्वेट करने के बाद मुझे एक्स की वैल्यू 4 मिलती है। आप वीडियो पॉज करके इसका डिटेल डेरिवेटिव देख सकते हो। तो इसका ये मतलब निकलता है कि जब आप एक्स की वैल्यू को 4 चूज करते हो, 4 ओम, तो इस एक्स के थ्रू मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है। इसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है जो कि कुछ इस तरह से, आई स्क्वायर एक्स, आपने इसको 4 पुट किया तो करंट कितना जाएगा 12/8, तो आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस जो कि हमने 4 रिज्यूम किया है यहां पर, तो इसको सॉल्व करके मिलता है 9 वॉट। मतलब x की वैल्यू जब 4 होगी तो इसके अक्रॉस 9 वॉट की पावर डिसिपेट होती है। x की किसी और दूसरी वैल्यू के लिए इतनी ज्यादा पावर डिसिपेट नहीं हो सकती है। हमने पहले वाले केस में x की वैल्यू 2 ली थी तो 8 वॉट आई थी, ठीक है, अब कोई वैल्यू दूसरी चेक करेंगे ना तो भी 9 वॉट तक नहीं जाएगी, सिर्फ 9 वॉट आपकी x इक्वल टू 4 पे जाती है। और इसका ग्राफ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, दिस वे। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 ओम पे जो पावर है वो 9 वॉट है, जो कि मैक्सिमम है, इसके ऊपर कभी नहीं जाती है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट उठ के आता है, दैट इज किसी सर्किट में अगर एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस नोन और एक अननोन है, और आपसे पूछा गया कि इस एक्स की वैल्यू निकालिए सच दैट इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो या मैक्सिमम हीट डिसिपेट हो, सब एक ही बातें, तो एक्स की वैल्यू जो होती है वो एग्जैक्टली आर के बराबर हो जाती है। ये मैटर ही नहीं करता है कि इसमें पोटेंशियल कितना है, यू कैन डू इट बाय डेरिवेशन ऑल्सो। आप इसको भी डिफरेंशिएट करके खुद एज अ होमवर्क ले लीजिए और सॉल्व कीजिए कि करंट कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, ई एंड आर, डिफरेंशिएट करो, जीरो से इक्वेट करो तो आपको एक्स की वैल्यू आर मिल जाएगी। तो इस ई पे आपका आंसर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ध्यान रहे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक्स के अक्रॉस मैक्सिमाइज करनी है हीट तो एक्स कितना होगा, न कि सिस्टम के अक्रॉस। आई रिपीट, अगर आपका क्वेश्चन ये होता कि वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट पूरे सिस्टम के अक्रॉस हीट मैक्सिमम हो जाए तो x की वैल्यू जीरो आती, लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सच दैट हीट अक्रॉस x इज मैक्सिमम, राइट, या फिर पावर अक्रॉस x इज मैक्सिमम। तो उसके लिए हम डायरेक्टली x को r से इक्वेट कर देते हैं, भले ही e की कोई भी वैल्यू रहने दो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड x सच दैट हीट डिसिपेटेड अक्रॉस द सिस्टम इज मैक्सिमम। मतलब इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि x की क्या वैल्यू है ताकि सिस्टम में हीट मैक्सिमम हो जाए, तो थोड़ी देर पहले मैं उसका आंसर बता ही दिया था कि x इक्वल टू 0, लेकिन आप उसको निकाल भी सकते हो। सो अगर मेरे को पूरे सिस्टम की हीट निकालनी है तो मैं x और r को सीरीज में ऐड करके x प्लस r बना दूंगा, और करंट कितना जाएगा e बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो i स्क्वायर r, तो आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, दिस इज द पावर फॉर द होल सिस्टम। तो इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, कुछ इस तरह से आ गया, और ये टर्म मैक्सिमम कब होगी, ये इसकी शक्ल देखिए दिख रहा है कि भाई एक्स को आप जीरो पुट कर दो ये मैक्सिमम हो जाएगा। सो लास्ट वाले का आंसर है x इक्वल टू 0। सो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थे अबाउट पावर अक्रॉस सम रेजिस्टेंस और अक्रॉस द होल सिस्टम। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाया जा सकता है, लेट्स टेक दोस प्रॉब्लम्स नाउ। सो अगेन अ सिमिलर प्रॉब्लम विद बिट ऑफ ट्विस्ट। इसमें पूछता है कि फाइंड x, x की वैल्यू निकालिए सच दैट हीट अक्रॉस x इज मैक्सिमम। मतलब इसके अक्रॉस आपको हीट मैक्सिमाइज करानी है, आपको कोई चिंता नहीं है बाकी सर्किट की। तो हम पहले देख चुके थे अगर आपके पास एक सिंगल लूप सिस्टम होता है कुछ इस तरह से, और आप चाहते हैं कि x के अक्रॉस हीट मैक्सिमम हो जाए तो आप x को r से इक्वेट कर देते हैं। ऐसा ही कुछ मैं यहाँ भी करने वाला हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर काफ़ी सारी बैटरीज हैं और ये सिंगल लूप सिस्टम है भी नहीं। तो सिंगल लूप सिस्टम नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे ये जो सेक्शन है इसको इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, देन वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से। तो जो सर्कल्ड पार्ट है उसको मैंने इस वायर से रिप्लेस किया है, तो इस वायर में रेजिस्टेंस कितना आएगा 3 ओम, क्यों 12 एंड 4 इन पैरेलल विल गिव यू 3 ओम। अब बात दूसरी है बैटरी क्या होगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है, क्या ये वाकई हमारे लिए मैटर करता है कि बैटरी कितनी होगी, हमारा एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा है x निकालना, और हम देख चुके हैं कि x की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए नो मैटर व्हाट योर बैटरी इज। तो मैं इस बैटरी को निकालने में अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा, और इनफैक्ट ये बैटरी और ये बैटरी मिलाकर कुछ और बैटरी बन जाएगी, बनने दो। अब ये x निकालना है, अब देखो 5 पता है मेरे को, ये फिक्स वैल्यू है, राइट, यू कांट चेंज इट, ये 3 भी फिक्स वैल्यू है, तो 5 + 3 = 8। तो अपना जो सिस्टम है कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से रेजिस्टेंस 8 वोल्ट का हो गया, बैटरी मिलके कुछ तो हो जाएंगी, आई डोंट इवन केयर अबाउट दैट, और आपका x ये रहा, तो x की वैल्यू 8 होनी चाहिए, एंड यू गॉट द आंसर। तो इस क्वेश्चन में बिना कुछ
सॉल्व किए, आपने ऊपर ऊपर देख के बता दिया कि एक्स को आप 8 पुट कर दो तो इसके अक्रॉस आपको हीट मैक्सिमम मिलने वाली है। बट हाँ, बाकी सर्किट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये नहीं बोल रहा कि बाकी सर्किट के अक्रॉस हीट मैक्सिमम है, सिर्फ इसके अक्रॉस हीट मैक्सिमम हो जाएगी, इस चीज की गारंटी हो जाएगी जब आप एक्स को 8 पुट कर दोगे। तो इस प्रॉब्लम में भी उसको स्लाइटली ट्वीक किया है और इसमें दो ट्विस्ट हैं, पहला ट्विस्ट इसकी लैंग्वेज में और दूसरा उसके कॉन्सेप्ट में। तो लैंग्वेज कुछ ऐसी है, फाइंड एक्स इज दैट अ स्लाइट चेंज इन एक्स विल नॉट चेंज द पावर अक्रॉस एक्स सिग्निफिकेंटली। अभी जो लैंग्वेज यूज़ की है, इस लैंग्वेज को वो किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन इनडायरेक्टली वो आपसे बहुत छोटी सी बात पूछ रहे हैं। तो इसको एक ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें हम। मान लो ये वैल्यू ऑफ एक्स है और ये पावर अक्रॉस एक्स है, और इसमें आपका ग्राफ से कुछ इस तरह से है। अभी आप ध्यान दो कि एक वैल्यू आप लेंगे एक्स की और उसको थोड़ा चेंज करेंगे, एक्स से आपने डी एक्स ऑर्डर कर दिया, तो जो पावर है ना उसमें एक अच्छा खासा एडिशन हो जाता है। देखो इतना सेम गोज विद दिस ऑल्सो, मान लो आपने एक्स ये लिया तो ये पावर हो जाएगी, और आपने एक्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो पावर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस एक्स की बात करें और इसमें आप छोटा सा डी एक्स ले लें, तो आप यहाँ देखेंगे कि कोई खास डिफरेंस नहीं आया है इसकी पावर में। तो इनडायरेक्टली जो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा जिसे बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसकी बात कर रहा है ये। तो इसकी लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करके हम बोल सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट हीट थ्रू एक्स या फिर पावर थ्रू एक्स इज मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मिनिमम एक ट्रिवियल केस हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम की बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये लैंग्वेज आपके किसी भी सब्जेक्ट में पूछी जा सकती है, वहाँ उसमें डरना नहीं है, ठीक है। तो अपना पहला हर्डल तो क्रॉस कर लिया कि भाई वो सिंपल शुद्ध भाषा में ये पूछ रहा है कि आप एक्स की ऐसी वैल्यू निकालिए कि इसके अक्रॉस पावर मैक्सिमम हो जाए। अब जैसे ही आप ये लाइन सुनते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स दैट पावर अक्रॉस एक्स मैक्सिमम, फर्स्ट थिंग विच क्लिक्स योर माइंड इज एक लूप है। जैसे इस केस में आपसे पूछा है कि व्हाट इज एक्स, तो आप फटाफट बोल देते हो एक्स शुड बी इक्वल टू आर बिना बैटरी के बारे में चिंता किए हुए। तो ऐसे केस में भी हमें इसको कुछ इस टाइप के सिंगल लूप सिस्टम में रिप्लेस करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि सिंगल लूप सिस्टम में रिप्लेस करना इतना आसान काम नहीं है इसको, बिकॉज आप देखोगे तो जैसे ये ब्रांच है और ये ब्रांच है, ठीक है, वो दोनों पैरेलल में नहीं है, यहाँ से एक नोड आ गई है, यहाँ से एक नोड आ गई है, तो बहुत मतलब रैंडम सा सिस्टम लग रहा है मेरे को ये। तो कोई डरने की बात है नहीं इसके अंदर, इसमें आपको एक नॉच और आगे जाना पड़ेगा अपने शॉर्टकट्स में। तो एक नॉच आगे जाने से मेरा मतलब ये है कि जब हम एक्स निकालते हैं तो हमें पता है कि इसके ऊपर हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो इस चीज़ को हम अपने फेवर में यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, देखो मतलब अगर इस वी की वैल्यू को मैं 4 की जगह 5 कर दूँ या 6 कर दूँ या 7 कर दूँ, कोई भी कर दूँ, मेरा आंसर चेंज नहीं होगा, राइट। तो क्यों ना मैं उस वी को 0 कर दूँ, क्योंकि आंसर वैसे भी वी पे इंडिपेंडेंट है। तो अगर वी को मैं 0 वोल्ट मान लूँगा तो भी मुझे एक्स की वही वैल्यू मिलेगी जो डिज़ायर्ड है। तो इन दिस केस मैं सारी बैटरीज को फटाफट 0 वोल्ट करूंगा, और 0 वोल्ट करने से एडवांटेज ये मिलेगा कि जैसे ये आपका रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट हो जाएगा, राइट। देखो इसमें डायरेक्टली कनेक्शन बैठ जाएगा यहाँ पर एक, तो ये सर्किट से बाहर आ जाएगा। लेट्स डू इट, सारे बैटरीज को पहले एक वायर से रिप्लेस करेंगे। जैसे मैंने इस 9 वोल्ट को हटाया और उसको एक वायर से रिप्लेस कर दिया कुछ इस तरह से, सिमिलरली सारी कर देता हूं मैं। अब देखो सिंपल कितना हो गया आपका पूरा सिस्टम, है ना। अब आप इसको आराम से एक लूप से रिप्लेस कर सकते हो जिसमें एक अननोन रेजिस्टेंस होगा एक्स जो आपको निकालना है, और एक नॉन रेजिस्टेंस होगा जो बाकियों के प्रेजेंस की वजह से आ रहा है। तो इसमें हम ध्यान से देखें तो ये 6 एंड 3 ये दोनों पैरेलल में है, राइट। 6 को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दो, 6 एंड 3 पैरेलल में क्या देंगे आपको, 2 देंगे, तो लेट्स मेक इट 2। अब यहाँ देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट, आपको दिख रहा है ये वायर जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये जो आपका सर्किट है ना, इसमें ये एक्स है और वो 7 है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो पहले मैं 7 बनाया था फटाफट, 5 + 2 = 7, और ये बाकी कुछ भी नहीं से मेरा मतलब ये है कि मैं इसको निकाल सकता हूँ। थोड़ा सा आपको विजुअल एड देने के लिए, मतलब दिखाने के, देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी करने के लिए, मैं कनेक्शंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ। जैसे मान लो इस पॉइंट को मैंने यहाँ कनेक्ट किया है, तो यहाँ की बजाय अगर मैं इसको यहाँ कनेक्ट करूँगा तो भी एक ही बात है ना, बिकॉज मैंने कोई कॉम्पोनेंट, मतलब कोई रेजिस्टेंस या कोई बैटरी तो क्रॉस की नहीं है। अब यहाँ की जगह मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा, से इसको यहाँ कर दूँगा, या फिर यहाँ कर दूँगा, यहाँ कर दूँगा, कुल मिला के मैं इसको यहीं पर कनेक्ट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो आपको दिखेगा कि आपका ये जो पार्ट है ये सिस्टम से बाहर चले गया, राइट, सिर्फ बचता है इतना। तो एक्स की वैल्यू आती है 7, तो 7 ओम इज द आंसर हियर। नाउ लेट्स टेक फ्यू प्रॉब्लम्स जिसमें हमने बल्ब को इन्वॉल्व किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इन बल्ब को देख के ही बल्ब फ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब वो ये टर्म्स देखते हैं 100 वॉट 220 वोल्ट, तो एग्जैक्टली समझ नहीं आता है कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसमें एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। पॉइंट ये है कि एक बल्ब
इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस, बस यहाँ कहानी शुरू होती है, यहीं पर कहानी खत्म होती है। एक बल्ब है वो रेजिस्टेंस ही होता है, उसको आप रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करो। अब वो रेजिस्टेंस एग्जैक्टली है कितना वो बताने के लिए आपको इनडायरेक्ट हिंट्स दी हुई होती हैं। जैसे बोला गया है दिस बल्ब इज ऑफ 100 वॉट फॉर 220 वोल्ट, तो इसका मतलब उसने आर दे दिया है इनडायरेक्टली। और कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, अभी अभी डराइव भी किया था हम लोगों ने, इसको हम लोग वी स्क्वायर बाय आर भी लिखते हैं, है ना। अच्छा कब क्या लिखना है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पता है। अगर आपको किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, राइट। अब इस बल्ब ने बोला है कि मैं 100 वॉट का हूँ, मतलब उसकी जो पावर है वो है 100 वॉट, किस वोल्ट के लिए, 220 वोल्ट के लिए। तो जब ये फॉर्मूला आप लिखोगे तो इसमें आप पावर को पुट कर दो 100 और पोटेंशियल को पुट कर दो 220, गेम ओवर, बस आपको रेजिस्टेंस मिल गया। और एक बार रेजिस्टेंस मिल गया तो उसके बाद में आपको पता है क्या करना है ना, सीरीज है, पैरेलल है, इक्विवेलेंट बैटरी मेथड है, जैसा आपको लगाना है लगा दो उसके अंदर। तो इस केस में उसने बल्ब दिया था 100 वॉट का 220 वोल्ट के लिए, तो इसमें आर की वैल्यू क्या आएगी, 484, है ना, वी स्क्वायर बाई पी, दोनों वैल्यू पुट की, 484 ओम का एक रेजिस्टेंस है ये, जिसको हम टेक्निकली बल्ब बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अब आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं, तीनों के तीनों 484 के हैं और एक उसके अलावा चौथा ऊपर है जो कि पैरेलल में नहीं है। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय दिस सेट ऑफ बल्ब्स। तो ये जो सेट ऑफ बल्ब्स हैं ये कितना पावर कंज्यूम करते हैं ये पूछ रहा है। तो मतलब यार आपके पास अगर सेट ऑफ रेजिस्टेंस हैं तो क्या करते हो आप, उनका टोटल आर निकाल दो, है ना, और आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर यूज कर दो, मिल जाएगा आपको पावर कितना कंज्यूम हुआ है। तो 484 के तीन बल्ब है तो कितना हो जाएगा ये, 484 बाय 3 प्लस सीरीज, तो प्लस 484, तो टोटल हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से। तो अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, 220 वोल्ट की बैटरी है और इतना आपके पास रेजिस्टेंस है, बताओ कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो सीधी बात है वी स्क्वायर बाय आर करेगा और क्या, तो आंसर आपका हो गया 75 वॉट, जो कि आराम से इस वी स्क्वायर बाय आर को सिंप्लीफाई करके आता है। तो इसी तरह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको रेजिस्टेंस मालूम चलता रहेगा और आप उसको आर की तरह ट्रीट करके सॉल्व करते रहो, दे आर वेरी इजी प्रॉब्लम्स। सो इट्स अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, मतलब इसमें आपको एग्जैक्टली नंबर्स पे नहीं जाना है, बस इसमें सिर्फ ये आइडिया लगाना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, राइट। इट्स नॉट अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम जहाँ पर हम नंबर्स निकालें। तो क्वेश्चन बोलता है इन विच केस वी कैन फाइंड द डिमेस्ट बल्ब, ये चार केस दिए गए हैं, तो सबसे कम सबसे धीमा जलने वाला बल्ब आपको कौन से केस में दिखाई देगा। तो एक बात तो पक्की है कि जितना धीमा ये जलेगा उतना ही धीमा ये जलेगा, राइट। तो ब्राइटनेस जो है इन दोनों की सेम रहेगी, बाय सिमेट्री हर केस में ऐसा ही है। इस केस में जितना ये ब्राइट होगा उतना ही ब्राइट ये भी होने वाला है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बल्ब में जो ब्राइटनेस आती है वो एग्जैक्टली होती क्या है। सो दैट इज नथिंग बट द पावर। सो जो आई स्क्वायर आर है वो उसकी ब्राइटनेस के बारे में बताता है, जितना ज़्यादा आई स्क्वायर आर होगा मतलब उतना ज़्यादा ब्राइट बल्ब होगा, या फिर हम वी स्क्वायर वाई आर भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हमें क्या पता है आई या वी। तो इन केसेस में आप क्या पता करना, क्या यूज़ करना पसंद करोगे, वी या फिर आई? डेफिनेटली वी, जैसे इस केस में दोनों में आधा आधा बढ़ गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। इस केस में तीनों में बढ़ गया होगा, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, तो वील गो बाय दिस फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर। तो देखो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे जो बल्ब हैं वो आइडेंटिकल हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है क्वेश्चन के अंदर, तो हम सारे आर को बराबर मान लेंगे। तो सारे आर अगर बराबर हैं तो कुल मिला के मुझे ये देखना है कि कौन सा बल्ब ऐसा है जिसमें वी स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम है। अब वी स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम कब होगी, जब वी की वैल्यू सबसे कम होगी। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, अभी मेरा क्वेश्चन इतना रह गया है कि इन केसेस में कौन सा केस ऐसा है जिसमें बल्ब के अक्रॉस, एक पर्टिकुलर बल्ब के अक्रॉस सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस हो। अब कुछ चीज़ और देखो, यहाँ पर यहाँ दो बैटरी है, यहाँ भी दो बैटरी है, यहाँ सिंगल सिंगल बैटरी है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये बोला जाता है कि अगर इसके अक्रॉस 2V है तो ये सिर्फ V है। अच्छा दूसरी बात ये है कि इसमें दो बैटरी ऐसे लगाई हुई हैं, तो हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था कि भाई अगर आपके दो क्या 50 बैटरी भी ऐसे लगा दोगे तो हर बैटरी सेम बात बोल रही है, एंड इट इज़ एज गुड एज दिस, ये सिर्फ थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको लगाया गया था। तो अब देखो इस बल्ब को आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि दोनों के क्रॉस बराबर पोटेंशियल आया है, राइट। तो अज्यूम करते हैं एक बैटरी वी वोल्ट की है तो टोटल 2V वोल्ट हो जाएगा, तो 2V वोल्ट हो गया तो उसके क्रॉस कितना आएगा, वी वोल्ट, ठीक है। इस केस में 2V है, एक के क्रॉस कितना आएगा, 2V बाय 3। इस केस में एक ही बैटरी है, एक के क्रॉस कितना आएगा, V बाय 3। और इस केस में आप देखो तो इस बल्ब के अक्रॉस पूरा 2V आ रहा है, और सेम इज द केस विद दिस बल्ब ऑल्सो, तो 2V। तो इन चारों केसेस में
सबसे ऑब्वियस सा जो केस हमारे सामने दिखने को आता है वो है वी बाई थ्री, जिसमें हम बोल सकते हैं इन बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंडिविजुअली वो सबसे कम है. तो सबसे कम जो ब्राइटनेस होगी दैट विल बी दिस बल्ब और दिस बल्ब और दिस बल्ब, क्योंकि तीनों की ब्राइटनेस सेम है. सो दिस इज द आंसर. तो इस केस में आपको तीन बल्ब दिए हुए हैं और यहाँ एक स्विच है जो कि इनिशियली क्लोज है. क्वेश्चन बोलता है व्हेन एस वाज क्लोज टोटल पावर आउटपुट वाज पी, मतलब जब ये बंद था यहाँ से जो करंट जा सकता था उस टाइम पर पूरे सिस्टम का जो आउटपुट पावर था वो पी था. फाइंड पावर व्हेन एस इज ओपन, जब इसको खोल दिया जाए तो नया पावर कितना होगा. तो देखो जब ये बंद था ना तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये रेजिस्टेंस हमारे किसी काम का नहीं था, ये किसी काम का नहीं था बिकॉज शॉर्ट हो गया था ये. अब जब मैंने इसको खोल दिया तो ये भी अपने सिस्टम में आ गया, राइट. तो अब मेरे ख्याल से आराम से कर लोगे. तो पहले हम करते हैं इसको बंद के लिए, जब बंद है तो इसको उड़ा दो, अभी किसी काम का नहीं यहाँ पे, है ना, शॉर्ट हो गया पूरे सर्किट, शॉर्टेड ईयर. अब ये दो रेजिस्टेंस है आर एंड आर, राइट. अब मान लो 2R नेट रेजिस्टेंस आ गया इनका, तो हम बोल सकते हैं जो पावर है वो हो जाएगा ई स्क्वायर बाय 2R. इसको उन्होंने पी बोल दिया है, पी फर्स्ट बोल दिया है ना इनिशियली. और जब आप इसको खोल दोगे तो क्या होगा, आपका सिस्टम ऐसा हो जाएगा और अब तीन रेजिस्टेंस आ जाएंगे, सीरीज में ऐड करोगे 3R हो जाएगा. अब नेट पावर कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर बाय 3R, तो ये आपका P2 हो गया. तो अब जस्ट आपको P1 और P2 कंपेयर करना है एंड यू विल गेट 2 बाई 3 P1. मतलब जब ये सिस्टम के अंदर आ गया तो आपका और कम पावर लूज हुआ है, और सीधा सीधा रीजन है क्योंकि आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया है. इस छोटे से पॉइंट को एक बार यहाँ पर समराइज कर देता हूँ. जैसे मान लो आपके पास एक बैटरी दे रखी है, राइट. अब आप एक रेजिस्टेंस लगाइए R और ये बैटरी है ई वोल्ट की, तो कितना पावर कंजम्पशन है इसमें, ई स्क्वायर बाय R. तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे R की जो वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी, है ना, जैसे जैसे R ही बढ़ेगा पावर कम होती रहेगी. तो फिर इट इज़ कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट, जो हमें से लगता है ना कि R बढ़ेगा तो फिर इसमें हीट ज़्यादा निकलेगी, ऐसा नहीं है. जब R बढ़ेगा तो हीट कम निकलेगी बिकॉज डिपेंडेंसी इसकी ई स्क्वायर बाय R वाली है, क्योंकि यहाँ E कॉन्स्टेंट है, राइट. और वहीं पर हम कुछ ऐसे केस देखें जहाँ पर I को कॉन्स्टेंट मेंटेन किया हुआ है, तो उस टाइम पर हम पावर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं आई स्क्वायर आर, बिकॉज मुझे आई पता है. और यहाँ पर आप देखोगे जैसे जैसे आर बढ़ेगा ना आपकी पावर बढ़ेगी. तो कई बार मैंने स्टूडेंट्स को बस इसके चक्कर में कन्फ्यूज होते हुए देखा हुआ है कि यार कभी कभी आर बढ़ने से पावर कम होती है, कभी कभी बढ़ती है. तो भाई आपको ये देखना पड़ेगा ना कि बाकी चीज़ें कौन सी कॉन्स्टेंट है. आई कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो आर बढ़ाओ अच्छी बात है, तो इस केस में और ज़्यादा पावर बढ़ेगी. अगर ई कॉन्स्टेंट है तो आर बढ़ाओगे तो पावर कम होगी. लेट्स टेक फ्यू मोर प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ बल्ब्स. तो इस प्रॉब्लम में एक सर्किट दिया है जिसमें एक बैटरी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस, मतलब बल्ब है, बल्ब को मैं रेजिस्टेंस ही बोलूंगा, राइट. तो क्वेश्चन ये पूछता है फाइंड ई सच दैट बल्ब ग्लोज एट द फुल इंटेंसिटी. तो इस ई की वैल्यू निकालिए आप सच दैट ये बल्ब फुल इंटेंसिटी से ग्लो करे. तो जो इसकी फुल इंटेंसिटी है वो हो जाएगी 4.5 वाट. तो अब 4.5 वाट पे वो कब ग्लो करता है, जब उस पर पोटेंशियल 1.5 होता है. तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भाई इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आपको 1.5 वोल्ट डलवाना है, मतलब बैटरी ऐसी रखो कि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस 1.5 वोल्ट आ जाए, नो मैटर कोई भी उसका रेजिस्टेंस रहने दो. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पॉज द वीडियो एंड ट्राई आवर सेल्फ. सो इस बल्ब का पावर जो दिया था उसके हिसाब से मैंने इसका रेजिस्टेंस निकाल दिया. क्यों, पावर इज वी स्क्वायर बाय आर, तो आर हो गया वी स्क्वायर बाय पी. वी और पी सब्स्टिट्यूट कर दिए, वी कितना है इसका 1.5 वोल्ट, पावर कितनी है 4.5 वाट. तो आंसर आता है हाफ ओम, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है आपका जो कि बल्ब की फॉर्म में दिया हुआ है वो है हाफ ओम का. अब इस सर्किट को आप सिंप्लीफाई कर लो. तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मुझे मिलता है कुछ ऐसा, ये बैटरी ई 2.67 को मैंने थोड़ा 8/3 लिख दिया है. अब ये जो आपका रेजिस्टेंस है आपका ऐसा कितना हाफ, तो ये हाफ ओम का रेजिस्टेंस 1 के साथ पैरेलल में आ जाएगा. हाफ एंड 1 विल गिव यू आर पैरेलल इज 1/3. तो इन दोनों को आपने पैरेलल से रिप्लेस मारा तो 1/3 आ गया. अब देखो इनके अक्रॉस आपको पोटेंशियल पहले से पता है कितना 1.5 वोल्ट. इनफैक्ट वही तो रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हो कि इसके अक्रॉस 1.5 वोल्ट मेंटेन रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस 1.5 वोल्ट मेंटेन रहे. तो 1.5 वोल्ट मेंटेन रखने के लिए इसमें करंट कितना चाहिए आपको, तो मान लो करंट आई है, तो आई इज वी बाय आर, सो दैट कम्स आउट टू बी 1.5 बाय आर एंड आर इज 1/3. तो आ गया ये 4.5 एम्पियर. तो मुझे क्वेश्चन होता हुआ दिख गया है, करंट 4.5 एम्पियर आ रहा है यहाँ पर, क्या बैटरी होगी भाई जिसके लिए 4.5 एम्पीयर करंट आए. ये 8/3 1/3 मिलकर कितने हो गए 3. तो बैटरी कितनी होगी आपकी, रेजिस्टेंस दैट इज 3 इंटू करंट दैट इज 4.5. आंसर हो गया इसका 13.5 वोल्ट. सो दिस बैटरी शुड बी 13.5 वोल्ट सच दैट यू विल हैव दिस बल्ब ग्लोइंग एट इट्स फुल इंटेंसिटी. सो ये एक जेई का प्रॉब्लम है और
इसमें इसने पूछा था कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. सो कहने को हम इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, बट इस क्वेश्चन को दोबारा कराने का एक एजेंडा ये है कि मैं आपको नोडल एनालिसिस के बारे में बताना चाहता हूँ. सो नोडल एनालिसिस में हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट के पोटेंशियल को लेकर एनालिसिस करते हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव और ईजी मेथड है. तो नोडल एनालिसिस से पहले मैं क्विकली बताता हूँ इसको कि हम किस तरह से पहले वाले शॉर्टकट्स को यूज़ करके सॉल्व करते थे. क्वेश्चन पूछा था कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो जो बाकी बचा हुआ सर्किट है उसका हम इक्विवेलेंट बैटरी बनाते हैं. सी द ब्रांच अंडर ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन आइसोलेटेड, जिसको मेरे को एनालाइज करना है उसको बाहर रखा है और बाकी बचेगा इक्विवेलेंट निकाल दिया है. तो देखेंगे आप 12 और 4 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3 ओम, 12 × 48/16. सिमिलरली अगर मेरे को इन दोनों की इक्विवेलेंट बैटरी निकालनी है तो मैंने नीचे की तरफ पॉजिटिव ली है और ये भी दोनों नीचे की तरफ पॉजिटिव है, तो इक्विवेलेंट बैटरी आएगी इसकी 36/12 + 8/4 × इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इट कम्स आउट टू बी 15 वोल्ट. तो मतलब आपके पास यहाँ 15 वोल्ट की बैटरी आ गई. अब इसमें सिंपली करंट निकाल दीजिए 15/5 3 एम्पियर. अब पी डी अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स विल बी 3 × 2 दैट इज 6. तो आपका अल्टीमेटली आंसर आ गया 6 वोल्ट. बट इसको मैं अभी नोडल एनालिसिस से करूँगा. नोडल एनालिसिस में हम कोई भी एक पॉइंट चूज करके उसका पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी असाइन जीरो पोटेंशियल टू सम पॉइंट. अच्छा, ये जो बात बोलने में तो काफ़ी आसान लग रही है कि सर आपने 0 वोल्ट बोल तो दिया उसको, लेकिन ऐसे कैसे बोल दिया, कौन सा पॉइंट था? तो इसको समझने के लिए आप ग्रेविटी का एक एग्जांपल ले सकते हो. जैसे मान लो ये मास है और मैं बोलता हूँ उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो क्या होती है वो mgh. जो उसमें h होता है वो क्या होता है? अब आप बोलोगे इस फ्लोर से, तो कोई दूसरा बंदा जो ग्राउंड फ्लोर पर होगा वो बोलेगा सर ये ज़्यादा हाइट पर है, और कोई इसके ऊपर बैठा होगा उसकी नेगेटिव हाइट हो जाएगी. तो इसकी जो हाइट है वो किसी रेफरेंस से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सबके लिए अलग अलग हाइट होगी इसकी. तो उस चीज़ के लिए हम एक डेटम लाइन डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये बॉडी यहाँ पर है और मैंने इसको डेटम लाइन मान लिया, तो डेटम लाइन पे हम 0 हाइट मान लेते हैं और यहाँ से जो इसकी हाइट है वो कैलकुलेट की जाती है एच. तो इसके रेफरेंस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh मान ली जाती है, और जो बॉडीज इस लेवल पर होंगी उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली जाएगी, बिकॉज ये रेफरेंस लाइन है, डेटम लाइन. ऐसे ही सर्किट्स में भी होता है, आप किसी भी पॉइंट को 0 पोटेंशियल मान सकते हो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि एक ही पॉइंट को मान सकते हो, बाकी पॉइंट उसको फिर फॉलो करते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ दिस रेजिस्टेंस एंड बैटरीज. तो मैंने इस पॉइंट को 0 वोल्ट मान लिया है. अच्छा, ये पॉइंट क्यों चूज़ किया है ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस से समझ में आएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इसके लिए. हम अपने पॉइंट्स कुछ ऐसे चूज़ करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाए. आप कोई रैंडमली ये पॉइंट भी ले लेते तो भी आपका आंसर करेक्ट आता, बट इससे थोड़ा आसानी होगी. मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है व्हाट इज VA माइनस VB. तो इसका तो मैंने 0 पोटेंशियल मान लिया है, राइट. तो अगर मुझे इसका पोटेंशियल मिल गया तो मतलब मेरा काम हो गया. तो मैं इसका पोटेंशियल x वोल्ट मान लेता हूँ. अच्छा, जब मैं x बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई कंडीशन इम्पोज कर रहा हूँ, ठीक है. दिस इज दी विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी. अब ये x अपने आप कोई वैल्यू अटेन कर लेगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज, क्योंकि x जस्ट एक वेरिएबल है. तो अगर x की वैल्यू मुझे मिल गई तो मतलब मेरा काम हो गया. क्यों? ये तीनों पॉइंट्स x हैं. ये तीनों पॉइंट सेम क्यों है? बिकॉज यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस या बैटरी नहीं है. तो ये x है, ये 0 है, x माइनस 0, दैट्स व्हाट आई हैव बीन आस्क्ड. मुझे एग्जैक्टली वही पूछा गया है. तो अब थोड़ी एनालिसिस आगे बढ़ाते हैं. ये आपका 0 वोल्ट है, राइट. ये आपकी बैटरी 8 वोल्ट की. तो ये बैटरी बोलती है कि ये वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट से 8 वोल्ट ज़्यादा होगा और ये 0 पे है, तो ये हो जाएगा 0 + 8, मतलब इसका पोटेंशियल आ गया 8 वोल्ट. नाउ लाइकवाइज ये 36 वोल्ट की बैटरी है, ये बैटरी बोलती है कि ये वाला पॉइंट इससे 36 ज़्यादा है और ये कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 + 36, मतलब 36 वोल्ट. अभी हम एक ऐसे सिचुएशन पे आ चुके हैं जहाँ पर मेरे पास 1, 2, 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू मुझे करंट का आइडिया है इन टर्म्स ऑफ x. कैसे? ये 8 है, ये x है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा? 8 - x/4, है ना, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है. अगर ये 0.9 वोल्ट पे है, ये 0.3 वोल्ट पे है, ये रेजिस्टेंस R है, तो कितना करंट जाता है इसमें? 9 - 3/R. तो लाइकवाइज 8 - x/R इसमें फ्लो हो गया. सिमिलरली इसका देख लीजिए आप, 36 - x/12. तो कुल मिला के आपको ये दोनों करंट्स नीचे की डायरेक्शन में मिल गए हैं. हो सकता है कि एक्चुअल में करंट ऊपर जा रहा हो, तो इन दैट केस इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. सो आपको उसके बारे में सोचना नहीं है. अच्छा, अब बात करते हैं इस करंट की. अब ये करंट कितना हो जाएगा? इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, वो कितना है? 0 - x/2. अब आपको देखो तीन करंट मिल गए हैं और तीनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, राइट. तो अब तीनों इस नोड पे आ रहे हैं, तो तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 0. इससे इनडायरेक्टली मैं ये बात ही बोल सकता हूँ
कि कम से कम एक करंट तो पक्का इसमें से नेगेटिव होने वाला है, बट मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है। ये सीधी सीधी नोड लॉ है कि जितना करंट आता है उतना करंट जाता है, जाने वाला तो दिखाया नहीं मैंने, तो आने वाले का ही टोटल जीरो कर देंगे। अब बस इसको सॉल्व करेंगे और जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपका फाइनल आंसर होगा। सो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मुझे एक्स की वैल्यू 6 आती है, तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 6। इनफैक्ट पहले भी हमने 6 ही देखा था। तो अगर आपको नोडल एनालिसिस पहले से नहीं आती थी तो माय सजेशन वुड बी कि आप थोड़ा सा इसको पॉज करके एक बार वापस देख लीजिए एंड विद इन 30 सेकेंड्स लेट मी गिव यू द ब्रीफ फ्लैशबैक। ये पूरा सिस्टम आपको दिया गया था, आपसे पूछा गया था कि पीडी निकालो उसके अक्रॉस, तो आपने एक पॉइंट चूज किया जिसका आपने पोटेंशियल जीरो मान लिया, राइट। और जिसका पोटेंशियल आपको निकालना था, से ए माइनस बी निकालना था ना, तो आपने ए को एक्स मान लिया। तो अब ए एक्स है, वो जीरो है। अब जो कंडीशन दी हुई है उनके हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो ये जीरो था तो बट नेचुरली ये 8 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, राइट। अब ये 36 है, ये एक्स है, तो यहाँ कितना करंट जाएगा, 36 माइनस एक्स बाय रेजिस्टेंस। इसमें कितना करंट जाएगा, 8 माइनस एक्स बाय रेजिस्टेंस। गलती से 0 माइनस एक्स बाय रेजिस्टेंस मत कर देना, बिकॉज ये पॉइंट जीरो नहीं है, ये पॉइंट 8 है। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, दिस पॉइंट दैट इज 0 माइनस एक्स बाय रेजिस्टेंस। तो तीनों रेजिस्टेंस मैंने नीचे की तरफ ले लिए, तीनों करंट मैंने नीचे की तरफ ले लिए हैं, तो उनका जो एडिशन है वो जीरो आना है एंड एक्स की वैल्यू आती है 6 वोल्ट्स। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट, पूरा सर्किट नहीं दिया गया है, आपको बताया गया है कि एक सर्किट का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें ये पॉइंट 6, ये 9 और ये 4 वोल्ट पे है। अब क्वेश्चन ये बोलता है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, है ना, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द नोड। तो नोड इसमें यही है उसका पोटेंशियल पूछ रहा है, तो आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो बोल दो कि एक्स है, राइट। आंसर इज एक्स वोल्ट्स। अब जब आपने इसको एक्स वोल्ट बोल दिया तो आपका काफ़ी हद तक काम खत्म हो चुका है। क्यों, देखिए इसमें ये जो करंट है कितना होगा, ये करंट होगा 4 माइनस एक्स बाय 2, है ना, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल बाय द रेजिस्टेंस। सिमिलरली इसका करंट आएगा 9 माइनस एक्स बाय 1 एंड इसका आएगा। सो ये जो तीनों करंट्स मैंने मेंशन किए हैं ये सारे के सारे टूवर्ड्स नोड हैं। अब तीनों का जो एडिशन है वो कितना होगा, टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो ये तो सारे इनकमिंग हो गए, आउटगोइंग कितना है, 0, तो इनका एडिशन 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाइंग दिस आई गेट अ वैल्यू ऑफ एक्स एज 34/5 दैट इज 6.8 वोल्ट। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, एक बल्ब है 100 वॉट, 220 वोल्ट रेटिंग दी हुई है इसकी। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड फॉर 110 वोल्ट। तो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। सो फटाफट देख लेते हैं, पावर होता है V2/R। अब यहाँ पर बोला हुआ है पावर 100 वॉट की है और वोल्टेज 220 था, तो इससे रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका V2/P दैट इज 484 ओम्स। अब इस रेजिस्टेंस को इतने वोल्ट के अक्रॉस लगाया जाए तो उसमें से कितनी हीट निकलेगी, सो दैट बी V2/R। वी की वैल्यू पुट की 110 बाय रेजिस्टेंस जो आप निकाल चुके हो 25 वॉट। सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दो बल्ब दिए हुए हैं, फर्स्ट बल्ब की स्पेसिफिकेशन है 25 वॉट 220 वोल्ट एंड दूसरे की है 100 वॉट 220 वोल्ट। दोनों को सीरीज में एक 440 वोल्ट के अक्रॉस लगाया गया है। क्वेश्चन है विच बल्ब विल फ्यूज। सो अगेन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। सो इन स्पेसिफिकेशंस को देखकर मुझे इनके रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फर्स्ट बल्ब का, V2/P। V कितना है इसके लिए, 220, पावर कितनी है 25। सिंप्लीफाइंग यू गेट 4 टाइम्स 484। सिमिलरली सेकंड बल्ब के लिए आता है 484 ओम। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को मतलब दोनों बल्ब को अगर हम सीरीज में लगाते हैं, राइट, तो क्वेश्चन ये था कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। अब देखो फ्यूज का मतलब ये होता है कि अगर जो उसको स्पेसिफाइड वोल्ट दिया हुआ है मतलब ये वाला, इसके ऊपर आप चले गए ना तो वो फ्यूज हो जाएगा। तो बस आपको चेक करना है कि इन दोनों में से किस बल्ब में 220 वोल्ट क्रॉस कर जाएगा। तो उसके लिए बहुत आराम से आप देख सकते हो कि दो रेजिस्टेंस है सीरीज में, राइट, एक बैटरी लगा रखी है, तो इंडिविजुअली कितने पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। तो इस केस में हम देख पाते हैं कि जो बल्ब 2 है, राइट, उसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसका 4R है। आपको एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने की जरूरत भी नहीं है इनफैक्ट, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R है B2 का, तो B1 का जो है वो 4 गुना है। तो यहाँ पर देख के मालूम चल रहा है कि जो पोटेंशियल है 440 वोल्ट वो भी इसी रेशियो में डिवाइड होने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि बल्ब 1 के अक्रॉस 4/5 टाइम्स ऑफ 440 दैट इज 352 वोल्ट आएगा एंड सिमिलरली अक्रॉस बल्ब 2 यू विल गेट। सो दोनों बल्ब को स्पेसिफिकेशन ऐसा दिया गया था कि 220 वोल्ट होना चाहिए बट इसमें 352 आ गया है, तो बल्ब 1 विल फ्यूज और बल्ब 2 फ्यूज नहीं होगा, सो दिस वन विल फ्यूज। एन आइडेंटिकल बल्ब्स डिजाइंड फॉर द पावर पी फॉर वोल्टेज वी, मतलब हर एक बल्ब पावर पी देता है वी वोल्ट के लिए, तो ऐसे सारे एन बल्ब्स को सीरीज में लगा दिया। सो टोटल पावर ड्रॉन इफ दे आर इन सीरीज विद वी वोल्ट, तो जो एक के लिए असाइन था वो उन सबको सीरीज में लगा के दे दिया। तो पूछ रहा है टोटल पावर कितनी निकलेगी, डू इट योरसेल्फ।
तो काफी सिंपल प्रॉब्लम है, एक बल्ब जो है वो वी वोल्ट पे पी पावर देता है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस फॉर वन बल्ब इज वी स्क्वायर बाय पी, क्योंकि पी इज वी स्क्वायर बाय आर। तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस इतना आ गया, और एन जब सीरीज में आ जाएंगे तो उनका नेट रेजिस्टेंस एन टाइम्स हो जाएगा। तो न्यू पावर कितनी होगी, बैटरी तो अपने सेम लगाई है, तो वी स्क्वायर बाय न्यू आर, दैट इज नेट आर। नेट आर आप देख चुके हो इतना है, तो बस मैंने इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, आई गेट द वैल्यू एज पी बाय एन। तो आपकी ओवरऑल पावर एन टाइम्स कम हो जाएगी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड फॉर 500 वॉट एट 100 वोल्ट्स इज यूज इन अ सर्किट हैविंग अ 200 वोल्ट सप्लाई, द रेजिस्टेंस आर दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज विद द बल्ब। सो प्रॉब्लम है, एक बल्ब दिया हुआ है जो कि 500 वाट ड्रॉ करता है 100 वोल्ट पे, तो उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, 20 ओम। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस बल्ब को एक दूसरे रेजिस्टेंस के साथ लगाना है ताकि 200 वोल्ट की सप्लाई में वो 500 वाट ड्रॉ कर पाए, मतलब इस बल्ब के साथ सीरीज में कौन सा रेजिस्टेंस लगाया जाए ताकि जब बैटरी इतनी होगी तो इसके अक्रॉस पावर 500 वाट की आ जाए। तो देखो, इस 500 वाट की पावर के लिए इसको 100 वोल्ट चाहिए था, तो अगर आपने ये इंश्योर कर लिया कि इसके अक्रॉस 100 वोल्ट है तो अपना काम हो गया। अब देखो, ये 200 वोल्ट है, अब यहाँ 100 वोल्ट चाहिए, यहाँ आपको 100 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको 100 वोल्ट ही चाहिए, तो मतलब दोनों रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए। अब इसका मतलब ये आर की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन ये बोलता है, देयर इज अ बल्ब ए जो किसी वोल्टेज सप्लाई पे पी ए, मतलब पावर ए ड्रॉ करता है। सिमिलरली एक दूसरा बल्ब है बी जो सेम वोल्टेज सप्लाई पे पावर बी ड्रॉ करता है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है पावर ए इज मोर देन पावर बी, तो अब इन दोनों बल्ब्स को अगर हम सीरीज में लगाते हैं एक वी वोल्ट की सप्लाई से, तो कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा। तो देखो, इसमें आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम जहां पर आप सिर्फ बड़ा छोटे से ही काम चला लोगे। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, वी स्क्वायर बाय पी। अब देखोगे ए के लिए कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, इतना, तो अब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर इफ वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट। सो इन दोनों केसेस में सेम वोल्टेज दिया गया था, तो इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस ए है उसका रेजिस्टेंस दूसरे से कम है, मतलब बल्ब ए का रेजिस्टेंस दूसरे बल्ब से कम है, तो ये ए जो है छोटा हो जाएगा। अब दो रेजिस्टर्स हैं, कौन सा रेजिस्टर ज़्यादा पावर ड्रॉ करेगा। अब इन दोनों रेजिस्टर्स में, प्रिसाइजली इन दोनों बल्ब में क्या कॉमन है, कैन आई से दैट दोनों के वोल्टेज सेम है, ऑफकोर्स नॉट, दोनों का करंट सेम है। अब दोनों का जब करंट सेम है तो हम पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर। तो आई सेम है दोनों का, तो जिसका आर ज़्यादा है वो बट नेचुरल है ज़्यादा पावर ड्रॉ करेगा, तो आर बी। तो ये वाला जो बल्ब है ये ज़्यादा पावर ड्रॉ करेगा, मतलब जिस बल्ब के लिए आपने बोला था कि पी बी इज लेस, राइट, सी दिस इज लेस देन दिस, तो ये ज़्यादा ग्लो करता है।